शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहे जो हमारे सर का नोट्स है, पीडीएफ। मैंने इसको बहुत मेहनत से पीडीएफ बना के आप लोग के लिए प्रस्तुत किया है, तो आप लोग देखिए। इसमें एक एक व्याधि हम लोग लेंगे और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये हमारे आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर चमद अग्नि सर का नोट्स है, जो शायद किसी के पास नहीं है, मेरे पास है बस। तो यह मैं आप लोगों को एक एक व्याधि से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रहणी चिकित्सा, यह ऐसे में मराठी में है लेकिन मैं हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा। ग्रहणी चिकित्सा जब हम लोग देखते हैं तो कोई भी व्याधि हो उसमें ग्रहणी का विचार करना महत्वपूर्ण रहता है। शरीर का जो मध्य रहता है वो ग्रहणी भाग रहता है और अधिष्ठान भेद से ग्रहणी का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। एक मिनट में आप लोगों को म्यूट कर देता हूं क्योंकि बहुत सारा किचन की आवाज आ रही है जिससे डिस्टर्ब हो रहा है। बाद में आप लोग सब लोग बोलिएगा, आप लोग बस सुनिए जो मैं बता रहा हूं, वह सुनिए। तो शरीर का मध्य भाग जो रहता है वह ग्रहणी कला होता है, ग्रहणी का भाग रहता है, अधिष्ठान भेद से इसका महत्व रहता है। शरीर का भरण पोषण जब होता है तो नाभि से होता है और उसमें उपस्नेहन न्याय, केदार कुल्या न्याय और शीर्ष दधि न्याय, इन तीनों न्याय से शरीर का पोषण होता है।
उपस्नेहन न्याय जो है उसी को खले कपूत न्याय भी बोलते हैं। तो ये तीन न्याय से चरक से चिकित्सा 15वां में बताया है विस्तार से। अब हम देखेंगे तो मंदाग्नि और अग्निमान्द्य ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। मंदाग्नि को कभी भी अग्निमान्द्यता नहीं बोलना चाहिए। अग्निमान्द्यता अलग चीज रहता है, मंदाग्नि जो रहता है वो अलग चीज रहता है। जब धात्वाग्निमान्द्य रहता है तो हमें चिकित्सा में शतावरी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शतावरी तिक्त रसात्मक रहता है, वो धात्वाग्नि को जो मंदता है उसको ठीक कर देता है तिक्त रस की वजह से। और अग्नि का संरक्षण करने के लिए ये द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसमें शतावरी है, तिक्त पटोल, पटोल जो है वो तिक्त रसात्मक रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और अगर पित्त की संप्राप्ति है और अग्नि को बढ़ाना है तो यष्टि का कल्प, जिस तरह से शतावरी कल्प होता है उसी तरह से यष्टि मधु का कल्प वो अगर देंगे ग्रैनुअल फॉर्म में तो बहुत अच्छा फायदा होगा। रसायन अध्याय में ऐसा बताया कि षड्रस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, तो षड्रस का चूर्ण इसका प्रयोग रसायन अध्याय में जो विरेचन के लिए बताया है हरितकिन्यादम च चूर्णानाम उसका समान मात्रा में लेना है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं विरेचन करके फिर रसायन का प्रयोग करते हैं तो कोई भी व्याधि के लक्षण कम हो जाते हैं। इसके बाद में बताया है कि जीर्ण ग्रहणी अगर होए, मतलब क्रॉनिक अगर आईबीएस जैसी कंडीशन रहे जिसमें भार क्षय हो रहा है, वर्ण कम हो रहा है, अपचन बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तक्र का प्रयोग कराना चाहिए। जो तक्र आप लोगों को पता है मराठी में ताक बोलते हैं, हिंदी में छांछ बोलते हैं, उसका प्रयोग कराना चाहिए। वातज ग्रहणी में जो दही के ऊपर का जो मक्खन रहता है वो जो ये रहता है ऊपर का मलाई वह नहीं निकालना चाहिए वातज ग्रहणी की चिकित्सा में। कफज ग्रहणी की चिकित्सा में वो ऊपर का मलाई निकाल देना चाहिए कि वहां ऑलरेडी कफ रहता है और वातज में स्नेहन करने की जरूरत रहती है इसलिए मलाई रखना चाहिए। और खाने में मतलब टेस्ट अच्छा होने के लिए तक्र में आप शुंठी डालिए, चीनी डालिए, जीरा डालिए, सेंधव डालिए और जीरा पाउडर जो है वो दोषानुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। खाने के पहले अपान वायु में अगर काम करना है तो जातिफल आदि चूर्ण है मध के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। 10 ग्राम दिन भर में देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अनुपान में मध देना है और जितना जाति फलादी चूर्ण है उसके दुगना मात्रा में देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका महत्व है कि चाटन जब हम करते हैं तो यह अन्न नलिका से इसोफेगस से धीरे धीरे जाता है और उत्तम कार्य करता है, तो इसलिए जाति फलादी चूर्ण खाने के पहले देने से बहुत अच्छा फायदा करते हैं। कामला व्याधि जब रहती है, जॉन्डिस जब रहता है तो फल त्रिकादी क्वाथ का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है। जिसको तक्र नहीं चाहिए ऐसे रोगियों को दूध का सेवन ज्यादा कराना चाहिए, तो इसमें गाय का दूध, बकरी का दूध का सेवन कराना चाहिए। और जिनको जातिफल नहीं चलता है, जातिफल साथ में नहीं है, उनको स्वर्ण परपट्टी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसकी मात्रा स्वर्ण परपट्टी की मात्रा होती है 250 mg, मतलब 2 रत्ती से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। पित्त का काल शुरू होता है और पित्त का काल एंड होता है 10 से 2 के बीच में एक बार देना है 250 mg। यह स्वर्ण परपट्टी का प्रयोग करने से जिनको जातिफल नहीं साथ में है उनके लिए करने के लिए बोला है। और स्वर्ण परपट्टी हमेशा टुकड़े के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, उसका पाउडर नहीं होना चाहिए। जब परपट्टी पाटिनी जो ऐसा बताया परपट्टी जो रहता है वो पापड़ की तरह ही रहना चाहिए, उसका टुकड़ा ही सेवन करना चाहिए, वो भी 2 रत्ती के मात्रा में। जब श्वास व्याधि रहे और कुष्ठ व्याधि रहे तो समीर पन्नक रस 500 mg OD एक बार देना है। हरिद्रा मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ देने से श्वास और कुष्ठ दोनों पे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कनक सुंदर रस करके आता है, वह 4 रत्ती 500 mg 3 बार देना है कुटजा रिष्ट के साथ, तो इससे मुहूर्त बद्धम मुहूर्त द्रवमल प्रवृत्ति जो रहती है ग्रहणी का वह ठीक हो जाता है। और जो अग्नि मान्यता की वजह से ग्रहणी कला दूषित होती है उसमें कनक सुंदर रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ग्रहणी कपाट रस जो है वह 4 रत्ती मात्रा 500 mg की उसमें मुस्तादी पाचन के साथ, मुस्तादी पाचन जो है वो ज्वर रोगाधिकार में बताया है भागवत संहिता में, उसके साथ में अगर ग्रहणी कपाट रस दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है ग्रहणी में। अब वातज ग्रहणी पे आ रहे हैं तो वातज ग्रहणी में आदमान रहता है, बारंबार मल प्रवृत्ति होता है, ये वात के लक्षण होते हैं। तो इसमें शुंठी सिद्ध घृत का प्रयोग ध्यान काल में देना है, मतलब खाना खाने के बाद शाम के टाइम पे देना है। शुंठी क्वाथ, शुंठी कल्प और घृत का प्रयोग करना है। अदरक का स्वरस और लकुच होता है महाड़ूंग जो उसका रस रहता है, फिर चांगेरी का रस, दाड़िम का रस, दही का ऊपर का पानी, सत्तू जो रहता है सत्तू उस ऊपर का वह अगर हमने उसको हमने फर्मेंट करके पानी रख दिया और उससे सिद्ध घृत दिया तो यह वातज ग्रहणी में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से यवक्षार, विडंग, सज्जी क्षार, अजमोदा
संप्रमाण में अगर दे दिया खाना खाने के बाद में ज्ञानोदान काल में 5 ग्राम की मात्रा में, तो गर्म पानी के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्तज ग्रहणी में शॉर्टकट ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इंद्रयव का बीज जो रहता है, कुटज का बीज, इंद्रयव, कुटज मूलत्वक, शुंठी, धातकी, अतिविषा, रसांजन, इसको तंडुलोदक के साथ और मध के साथ संप्रमाण में सब लेके देना है 3 बार दिन में। और स्वर्ण परपट्टी देना है, योगेंद्र रस देना है, शंख भस्म देना है, कपर्दिका भस्म देना है, ये खाना खाने के साथ में देना है। 2 ग्रास खाना खाके फिर ये कपर्दिका और शंख भस्म लेके फिर बाकी का खाना खाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफज ग्रहणी के पेशेंट जब आते हैं तो इनके सारे लक्षण प्रवाहिका के दिखते हैं, कृत्य अपिकृत्य संगतम, मतलब जाके मोशन करके आए तब भी ना पेट साफ नहीं हुआ है ऐसा संतुष्टि नहीं मिलती है, और प्रवाहिका के लक्षण दिखते हैं, तब भल्लातक लेना है, थोड़ा सा भल्लातक लेना है, 1 कटोरी चावल लेना है और 1 भल्लातक उसमें कट करके डालना है, और जब चावल को पका देना है, जब चावल पक जाए तो उसमें से भल्लातक का बीज निकाल के घी के साथ खाना है। और यह छोटे बच्चों का जब कफज ग्रहणी जैसे सिम्टम रहते हैं, जो दूध पीने से तकलीफ होता है, उनके लिए उत्तम औषधि है। उसी तरह से सौरवर्चल नमक मरी चित्रक संप्रमाण में लेकर तक्र के साथ इसका प्रयोग करना है कफज ग्रहणी में, और उसका ऊपर का मलाई निकाल देना है, और चित्रक मूल लेना है समान काल में, मतलब थोड़ा सा खाना खाके बाकी का खाना खाके चित्रक मूल लेना है, इसका अनुपान तक्र होना चाहिए, तो इन सबसे फायदा होता है। इसी तरह से त्रिदोषज ग्रहणी जब रहता है तो मुख कुहर से गुद कांड तक छोटे छोटे व्रणों की उत्पत्ति होती है, और इसमें त्रिदोषज विकार दिखाई देते हैं। तब इसमें परहेज क्या है कि भूख लगने पे दूध का सेवन करना है, या दूध के ऑप्शन में फलों का रस देना है, इसमें संतरा, मौसमी, अनार, दाड़िम देना है। गोदुग्ध भावित जो प्रवाल पंचामृत है वह देना है, जो मौक्तिकुक्त रहे तो ज्यादा फायदा करता है। इसमें आरोग्य वर्धनी देना है तो अतिसार ठीक हो जाता है, ज्वर और शोट ठीक हो जाता है। अतिसार के टाइम पे अगर हमने आरोग्य वर्धनी दिया तो ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से जो आम मिलता है यहाँ पर, हापुस आम मिलता है, मैंगो का एक टाइप रहता है, वो एकांतिक अगर देंगे 2 महीने से 2 साल तक अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और ज्यादा आम खाने से किसी को कुछ तकलीफ हो रही है तो दूध एंटीडोट रहता है, और थोड़ा थोड़ा आम जब मैंगो खा रहे हैं तो उसकी छिलका भी खाना चाहिए तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से ऐसा बताया कि अतिसार, अर्श और ग्रहणी और प्रवाहिका, ये एक दूसरे के हेतु रहते हैं, एक दूसरे, एक अतिसार जिसको होगा उसको अर्श होगा, अर्श होगा तो ग्रहणी होगा, ग्रहणी होगा तो प्रवाहिका होगा। तो इसमें पत्ते वाली सब्जियां पूरी तरह से वर्ज्य करना है, दाल का पदार्थ 1.5 साल तक बंद करना है जिनको अतिसार, अर्श, ग्रहणी और प्रवाहिका है, और जिसको जैसे IBS है, इरिटेबल सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको दाल के पदार्थ बंद करना है, पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बंद करना है, फर्मेंटेड फूड आइटम बंद करना है। ग्रहणी की चिकित्सा नहीं किया तो वह उदर रोग कर देगा, गुल्म करेगा, या अंतर्विद्रति और क्षय ऐसे रोग कर सकता है। और छोटे बच्चों में अगर ग्रहणी का कोई विकार आ रहा है तो मृद भक्षण का इतिहास जरूर देखना चाहिए। उसी तरह से ग्रहणी दुष्ट होता है तो बाल झड़ते हैं ग्रहणी के दृष्टि में, तो बाल झड़ने के जब भी पेशेंट आते हैं तो आपको ग्रहणी की दृष्टि है कि नहीं वह देखना है, और उसमें कासीस भस्म और प्रवाल भस्म देने से जो ग्रहणी कला है वह भी ठीक होती है और बाल झड़ना भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से ग्रहणी दुष्ट हो गया तो अक्षिशाया, आंखों के नीचे गड्ढा पड़ जाता है और काला काला आ जाता है, तो उसमें चंदन, आम्र हरिद्रा और मसूर का लेप लगाने से फायदा होता है। अगर ग्रहणी की दृष्टि और अंतर विद्रति है तो सहचरादि कषाय का पान कराना चाहिए, सहचरादि कषाय का बस्ती देना चाहिए तो अंतर विद्रति ठीक हो जाता है। अगर ग्रहणी की दृष्टि और मुखपाक, मुंह में छाले पड़ रहे हैं बार बार, तो चव्यादि चूर्ण आता है वह देना चाहिए, अभ्यंतर में उशिरासव देना चाहिए, लगाने के लिए तालीसादि चूर्ण, उशीर, नागकेशर, हरिद्की का प्रयोग करेंगे तो मुखपाक जो रहता है वह ठीक हो जाता है। अगर ग्रहणी रोग है और नेत्र रोग भी है तो त्रिफला चूर्ण और जसद भस्म अगर साथ में देंगे तो नेत्र रोग भी ठीक होगा और ग्रहणी कला भी ठीक होगी। अगर ग्रहणी रोग है और उदर ग्रंथि और ज्वर है तो चिकित्सा असाध्य हो जाती है। इसी तरह से घटी यंत्र ग्रहणी है और सन्निपाती ग्रहणी है तो ऊपर जो ग्रहणी की चिकित्सा है वह देखना चाहिए, और उसमें पहले ज्वर की चिकित्सा करना है, उसके बाद में पूरे बॉडी में श्री बिल्व तेल लगाना है या वृहद लाक्षादि तेल लगाना है। मर्दन के लिए प्रयोग करेंगे तो घटी यंत्र ग्रहणी और सन्निपाती ग्रहणी और त्रिदोषज ग्रहणी की जो चिकित्सा है वह बहुत अच्छा फायदा करती है। पेया, विलेपी, मंड पे रख के पेशेंट को, क्योंकि ग्रहणी को हमें ठीक करना है तो पेया दीजिए कुछ दिन, फिर विलेपी दीजिए, मंड दीजिए, और यापना बस्ती देना है
मात्रा बस्ती के प्रमाण में यापना बस्ती का प्रयोग करने से शरीर पुष्ट होने के बाद फिर दोषों अनुसार चिकित्सा करेंगे। तो 2 से 2.5 साल लगता है ग्रहणी कला को ठीक करने में, और अगर परहेज पर रहे तो पूरा जिंदगी उसका आयुष्य अच्छा होता है, नहीं तो मृत्यु की तरफ जाता है। इसी तरह से संग्रहणी है, क्रॉनिक अगर ये IBS हो गया है, ग्रहणी कला आगे और दूषित हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो योगा करना चाहिए, आधा घंटा तक साधना करना चाहिए, पंचगव्य घृत देना चाहिए, जटा मानसी का फांट देना चाहिए, पिपली मूल का प्रक्षेप के साथ, उसी तरह से उन्माद गज केसरी रस देना चाहिए तुलसी के स्वरस के साथ, कनकासव देना चाहिए, रौप्य भस्म देना चाहिए, स्वर्ण भूपति रस और सारिवाद्यसव देना चाहिए, और दोपहर के भोजन के पहले नींद लेना है, मतलब खाने के बाद नहीं लेना है, खाने के पहले दिन में नींद लेना है, तो इससे मानसिक संतुलन अच्छा होता है और संग्रहणी ठीक हो जाता है। उसी तरह से संग्रहणी अगर रहता है तो, या प्रवाहिका रहता है, हृदरोग रहता है, तो स्नान करने के बाद खाना खाते टाइम पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आता है, और जब वो शौच को जाता है, मल का त्याग करने जाता है, तो ग्रहणी के रोगी को बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो हमें ये देखना है कि प्रवाहिका और हृदरोग की तरफ तो नहीं जा रहे, ये इस तरह से ये हो गया। कल हम उधर शुरू करेंगे, एक एक व्याधि मैं लूंगा और उस पर कुछ अनुभूत योग बताऊंगा आप लोगों को। अब मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी एक बार चेक करके देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या। हाँ हो पा रहे हैं। जी जी सर हो रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी जी आपकी बेटी है। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, कैसी है? सर ठीक है, और फीवर अभी भी कंटिन्यू आ जाता है, एक बार आ रहा है बस। आपने क्या दिया? सर मैं ही टैबलेट ले रही हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं प्रीफर कर रही है। तो त्रिवम कीर्ति रस है और सनसनी वटी। ठीक है, आप यही दीजिए, और थोड़ा मतलब त्रिकटू या शुंठी दे सकते हैं, धनिया के साथ तो दे दीजिए, शहद के साथ। नहीं सर ये तो मैं ही खा रही हूँ, मतलब सेल्फ मैं ही खा रही हूँ। आप ही खा रही हैं, बच्चे को भी दे सकती है अगर देना चाहे तो। ठीक है ठीक है, आप देखिए। ठीक है डॉक्टर शिवानी जी, अब हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं। डॉक्टर शिवानी जी आप आके कुछ बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस, पेशेंट कैसे देखे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डॉक्टर चौरसिया जी, डॉक्टर गौरव कुमार जी, डॉक्टर कनवल देवल जी, डॉक्टर प्रणाली जी, डॉक्टर रमन जी, डॉक्टर वैशाली जी, डॉक्टर वरुण जी, वैद्य निर्जा जी, आप लोग आइए और कुछ बताइए अपना अनुभव। वैद्य रविशंकर शर्मा जी, सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? वैद्य श्रीमंत जी, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? सर आपका आवाज कट रहा है। वैद्य श्रीमंत जी आपका आवाज कट रहा है, आप एक बार लेफ्ट होके फिर से आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यूपी बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है सर, यूपी में। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है हमारे, तो थोड़ा ये लगे। आप एक बार लीव करिए फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो अच्छा से आ जाएगा आवाज। डॉक्टर कृष्णा जी, डॉक्टर मंगला जी, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी, आप लोग बताइए कुछ। डॉक्टर वर्षा चौहान जी, कृपया आप लोग आइए अपना केसेस बताइए। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी, डॉक्टर आकांक्षा जी, आज कोई कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर शीतल गोहर जी, हाँ जी बताइए। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आप बताइए। सर मुझे अपना एक एक्सपीरियंस क्या करना था। बताइए। सर एक्चुअली मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था काफी टाइम से, करीब 1 मंथ हो गया है। उसको एक्चुअली क्या था, पैरों में वीकनेस बहुत थी, और इधर मैंने उसको अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ एक बायना टेबलेट आती है और रासनादी सुतपुतीलू अजवाइन और गोलंती बना के दे रही थी उसे सिर्फ, तो वो अब अश्वगंधा छोड़
तो कह रहा है काफी रिलीफ तो हो गया मगर अभी पूरी तरीके से मतलब प्रॉपर नहीं रिलीफ मिल रहा है जी। तो और कमर के नीचे के हिस्से में मतलब जोर नहीं लगता है उसको, तो सर मैंने उसको आज एक्चुअली 5-6 लोहा गुगल दिया है जी। हाँ तो सर बस वही सोच रही हूँ कि अभी कितना उसमें टाइम लग जाएगा मुझे कि उसके पैर वापस वर्क करने लग जाए प्रॉपर तरीके से। तो आप कुछ ब्रेहन करने वाले दवाइयां दीजिए ना, अश्वगंधा ले हम, है ना, अश्वगंधा ले भी दे उसको दिया है ना, तो फिर चिंता क्यों कर रही हैं आप, तो बढ़िया इलाज कर रही हैं। नहीं सर उसको सदावरी भी चला रही हूँ बाहर से, और उसको अस्ते वो कुंडक भस्म भी दे रही थी साथ में जी, और अवरुलो दूध पापे सर का है, मतलब इसी का की 3 साल दवाइयाँ दी है, अरोबनी वटी भी दे रही हूँ साथ में जी। तो आप कितना दिन देते हुए, कितना दिन हो गया? लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे। तो अभी और जाने दीजिए ना, 1 महीना कंप्लीट होने दीजिए ना, फिर देखिए ना कितना बढ़िया काम होगा। पहले से कुछ और ऐड करना, पहले से कितना परसेंट आराम है पहले से? वो कह रहे हैं कि पहले मैं खड़ा भी नहीं हो पाता जी, और अब मैं मतलब वॉक कर लेता हूँ, 15 मिनट आराम से टहल देता है वो। तो बढ़िया है ना, आप सच में लक्ष्मी माता है, आपने उनको इतने कष्ट से दूर किया। बस कोशिश है भी और आप ऐसे ही करते रहिए, बहुत बढ़िया है। सर कुछ ऐड करने को बता दीजिए इसमें, और ऐड करना है तो स्वर्णमालिनी बसंत कर सकती हैं, तो वो कर दीजिए। आपके गवर्नमेंट से आता है क्या? स्वर्णमालिनी बसंत अच्छा है। नहीं सर प्राइवेट ही देना पड़ेगा। अच्छा आप सिंपल सिंपल ये विदार्यादि रसायन, नरसिंह रसायन ऐसे कुछ दे दीजिए। अगर बस्ती लेना है तो शीर बटा तेल का बस्ती दे दीजिए, और अभ्यंग दे दीजिए या कोई तेल का अभ्यंग दे दीजिए तो अच्छा फायदा होगा। लाक्षादी तेल का अभ्यंग दे दीजिए, है ना? जी जी सर ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। आप ऐसे ही करते रहिए, रिजल्ट बताएगा। डॉक्टर कंचन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर कंचन जी सर आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत उपयोगी रहता है सभी के लिए, आप कुछ बताइए अपना कुछ एक्सपीरियंस। हाँ सर, एक 4-5 दिन पहले का पेशेंट है, उसे ना मतलब वो एसिड रिफ्लेक्स का कंप्लेन कर रहा था, और ब्लोटिंग, गैस, बर्निंग, जैसे उधर शूल, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन था सर उसे उस दिन। एक्चुअली तो वो चेस्ट पेन के लिए ही आया था मेरे पास कि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, हाथों में भी पेन हो रहा है लेफ्ट साइड के। तो फिर मैंने जैसे पूरी कंप्लेंट पूछी तो मुझे उसमें एसिड रिफ्लेक्स, ये सब उधर शूल के कंप्लेंट, अम्ल पित्त के सभी सिम्टम्स लग रहे थे सर उसमें। तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था एक्चुअली, लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन है तो, और उसको लग रहा था कि ये हार्ट के इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, पर वैसे देखो तो सर उसका वेट काफी ज्यादा था, 95 kg हाइट करीब 5-7 थी। तो और मैंने सब पूछा उसको हेतु में, तो वो वड़ा पाव और समोसा अल्टरनेट डेज खा रहा था, और काफी सिटिंग जॉब था, मतलब 8-9 hours उसका सिटिंग जॉब था। उसको हिस्ट्री में जैसे कि थायराइड भी था, उसका कोलेस्ट्रॉल भी रेज था, ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री भी था सर उसको। तो मैंने उसको जैसे 20 तारीख को देखा होगा लास्ट मंथ, फिर उसको मैंने एसिडिटी की पूरी मेडिसिन, मतलब कि जैसे अम्ल पित्त भी चलने वाली, जैसे मुलेटिक्वात, अभिपत्ति का चूर्ण, कामधुदा रस, मुक्ता शक्ति भस्म, प्रवाल पंचामृत, ये दिया सर। और उसको मैंने स्ट्रेस थोड़ा लग रहा था मुझे तो मेधावटी भी दिया, फिर भी उसको लग रहा था कि सर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला अगर 5-6 दिन में अगर ये कुछ भी कम नहीं होता है तो एक ECG करते हैं, या फिर ज्यादा डर लग रहा है तो एक ECG कर लो आप। तो वो गया सर घर पे, सब मेडिसिन मैंने दिया उसको, 3rd day काफी रिलीफ था इसलिए उसने ECG नहीं किया। वो 10th day पे मेरे पास आया सर, उसको 70% पूरा रिलीफ मिल गया था। उसको फिर भी मैंने बोला अगर डर लग रहा हो तो एक ECG करवा लो। तो उसको सर 1 महीने और उसने मैंने जैसे कि उसका वेट ज्यादा था और खाने की हिस्ट्री थी, जैसे वड़ा पाव समोसा खा रहा था तो उसको स्टिक्की बोला था,
कि टू मील्स लेने हैं जैसे लंच और डिनर, तो सर मैंने उसको लंच में गेहूँ 500 ग्राम, 500 ग्राम राइस और बाजरा 500 ग्राम, 500 ग्राम हरा मूंग, अजवाइन और 20 ग्राम और सफेद तिल 50 ग्राम, ऐसे सर रेडीमेड दलिया भी आता है हमारा, पर मैंने मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको लिख के दे दिया और बोला कि 20 डेज के लिए तुझे यही खाना है लंच में, और बाकी तेरे जो बीच वाले जो मील्स है वो पूरे कंप्लीट बन रहेंगे। तो सर उसका 10 डेज में 3 kg वेट लॉस भी हो गया। हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपका। हाँ, और सर मैंने उसको अनुलोम विलोम और प्रणव बोला था करने के लिए, प्रणव माने की जैसे ब्रीदिंग, एक डीप ब्रीथ करना है और ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन करना है। अनुलोम विलोम में तो सबको मोस्टली पता ही होगा कि बस ये दो प्राणायाम बोले थे, और अभी वो एकदम मतलब खुद को लग रहा है, पर मैंने उसको बोला था अगर ये एसिड रिफ्लेक्स बार बार होते रहेगा तो ये पित्त हृदय शूल में भी, मतलब पित्त हृदय शूल हो रहा था, बोला मैंने कि ये हार्ट की तरफ भी जा सकता है, तो पूरा एक तो वेट लॉस करना ही है, एसिडिटी को कंट्रोल करके रखना है, कंट्रोल माने क्योर ही करना है पूरा, तो वो समझ गया कि अभी नहीं, मैं अगर खान नहीं दूंगा वेट की तरफ और मेरे खाने की तरफ तो मुझे ये हो सकता है। उसका एज भी 35 समथिंग था, वो काफी मतलब इम्प्रेस हो गया कि चलो ठीक है, मुझे बाकी दूसरी दे, तो मैं अगर एलोपैथ में जाता था तो मुझे एंजियोग्राफी तक लेके ही जाते थे ये सब लोग, तो उसको अच्छा लगा सर। मैंने उसको बोला भी कि आपके एज में समझो अगर देखे तो 40-50% या 60% भी ये रह सकता है, जैसे कि ब्लॉकेज रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अभी आपको सब कुछ चीजें करनी है, अगर आप कंट्रोल करोगे सब चीजें तो सब चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया, आप हेलो, बहुत अच्छा इलाज कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। मैम वो आपने क्या बताया एक बार प्लीज आप रिपीट करेंगे, जो खाने के लिए आपने एडवाइस किया था बाजरा, और वो क्या बता रहे थे आप? हाँ मैम, गेहूँ 500 ग्राम, जैसे कि वो फाड़ा रहता है ना गेहूं का, जैसे लापसी बोलते हैं हम लोग जी, तो 500 ग्राम वो लीजिए, राइस को आप मिक्सी में थोड़ा सा पीस लीजिए 500 ग्राम, और बाजरा लीजिए वो भी थोड़ा मिक्सी में पिसवा के पीस लेना, और ग्रीन मूंग लेना है 500 ग्राम, तो इसको भी थोड़ा सा फाड़ा टाइप, मतलब या फिर मूंग की दाल होती है ना ग्रीन हरी छिलके वाली, वो भी कर सकते हैं। उसमें अजवाइन डालो 20 ग्राम और सफेद तिल डालो 50 ग्राम, ये सबको मिला के ना 2 kg का पूरा उनका ये मटेरियल तैयार हो जाएगा। फिर उनको बोलना कि 50 ग्राम रोज ले, मतलब आधी कटोरी, और उसको करीब करीब आधा लीटर पानी में उसको कुकर में पकाए, तो उसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं जो भी पसंद के है, गोभी है, कुष्मांड है या फिर पालक है, खाली उनको बोलना आलू नहीं डाले, और टेस्टी बनाया अदरक लहसुन का तड़का देके, और मटर भी डाल सकते हैं, जैसे हम ये उपमा या फिर ये बनाते हैं ना। जी 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 मैम। हाँ, तो उस टाइप अच्छे से टेस्टी बनाए, बस उसको बनाने के 1 घंटे पहले भिगा के रखने के लिए बोलिए, क्योंकि बाजरा रहता है तो थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। जी जी मैम। हाँ, सोक करके रखेंगे तो काफी अच्छे से ऐसे सॉफ्ट जैसे बनेगा, और घर के कोई भी पर्सन इसे खा सकते हैं, इवन बच्चों को भी हम दे सकते हैं, काफी अच्छा होता है। बस उनका केस है ना, हम मील्स को कम कर दिए थे, और इस ये केस है तो पौष्टिक है, उनको काफी हद तक ताकत बनी रहती है, ऐसे दिन भर जैसे कि खाली पेट है, भूख लग रही है, ऐसे नहीं लगता है, या अगर बाउल भर के आराम से खा लेना तो उनको ताकत नहीं लगती है, तो इससे वेट लॉस काफी जल्दी हो जाता है। मतलब मोस्टली में वेट लॉस के पेशेंट में ये जरूर बोलती हूँ कि लंच उनका स्किप करके लंच के टाइम पे, जैसे आपको भूख लग रही है वो टाइम पे 10:30-11 बजे के टाइम पे ये खा लो बस। जी जी मैम। मैम गेहूं का भी आपने ऐसे ग्राइंड करने को ही बोला है ना, मोटा ग्राइंड करके? हाँ, एक तो गेहूं ग्राइंड होता नहीं जल्दी मिक्सी में, नहीं तो मिक्सी खराब हो जाएगा आपका, तो आप वो दलिया ले लो, दलिया ले लो तो भी मोटा दलिया ले सकते हैं। राइट राइट राइट, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। मैम प्रणव ब्रीदिंग वाला बताइए ना फिर।
प्रणव में जैसे कि ब्रीद इन करना है, जैसे सांस लंबी सांस, हम जैसे बोलते हैं ना कोई अगर थका हुआ है या फिर अनइजी लग रहा है किसी को, तो हम बोलते हैं ना गहरी सांस लो, आप गहरी सांस लो और छोड़ो, तो वैसे ही सेम उसको सांस लेना और सांस छोड़ना है, डीप ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना बस। और अनुलोम विलोम तो पता होगा, एक नॉस्ट्रिल से सांस लेके दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, ठीक है। जी बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर कंचन जी आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, पूछूं क्या? यस सर बिल्कुल। आपके पास अगर ऐसे फोन आया कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट में पेन हो रहा है, इमरजेंसी में आप क्या देंगी? फिर सुबह के 3 से 4 के बीच में हार्ट में पेन हो रहा है, हाँ मेडिसिन तो नहीं रहेगी सर उस समय, हार्ट में पेन हो रहा है, आपको पूरा पता चल गया तो आप क्या देंगी? मैं सर उसको डीप ब्रीदिंग बोलूंगी सबसे पहले, तो उसको बोलूंगी खास खास से जितनी जोर जोर से खांसी कर सकता है तो उतनी जोर से खांसी कर और डीप ब्रीदिंग कर। और यही बोल सकती हूँ। मेडिसिन में क्या देंगी? ऐसा सोचिए आपके पास पूरा पतंजलि का स्टोर खुला है आपके लिए, तो क्या मेडिसिन देंगी? ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? मेडिसिन में सबसे पहले सर अभी मेरे पास जो है कार्डियो ग्रीड करके गोल्ड कार्डियो ग्रीड करके टेबलेट आ रहा है, उसको सबसे पहले तो वो लेने बोलूंगी, क्योंकि फास्ट एक्टिंग वही है अभी फिलहाल, क्योंकि दूसरा अगर मैं काढ़ा प्रिपरेशन वगैरह बोलूँ तो काफी टाइम लग जाएगा, या फिर मेरे पास उनके पास अगर योगेंद्र रस है तो मैं गिलो योगेंद्र रस प्रवाल पिष्टी संगेश और जहरमोर पिष्टी ऐड करवाऊंगी, और उसको मतलब जैसे मुर मुर जटाऊंगी सर, एक एक घंटे में एक एक चुटकी ऐसे। और अगर उनके पास अर्जुनारिष्ट है तो अर्जुनारिष्ट भी दे सकती हूँ, अगर थोड़ा टाइम मिलता है मुझे, अगर वो पेशेंट सेटल हो जाता है तो उसको बोलूंगी कि अर्जुन शीरपाक बना, मतलब घर में कोई है तो वो अर्जुन शीरपाक बना दे, वो भी पिला सकते सर उसको। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ बता पाऊंगी शायद। हेलो हाँ जी आप बोल रही है, अच्छा बोल रही है, लेकिन इसका घी लेके आओ ना प्लीज। क्या? हाँ ठीक है आप बहुत बढ़िया बता रही है। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। डॉक्टर आकांक्षा जी आप सुन पा रही हैं क्या? हेलो। हाँ जी, आपके पास ऐसा फोन आया और आपके पास सब दवाई है और आपको फोन आया कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट में पेन हो रहा है 3 से 4 के बीच में, आप क्या दवाई देंगी? सर मुझे जहाँ तक याद है तो पहले अगर इसमें क्योंकि ये काल थोड़ा पित्त का है तो पित्त वृक्षों की रोग की मैं औषधि इसमें प्रेफर करूंगी। सुबह का टाइम जो रहता है 3 बजे ना, 2 से 4 का काल होता है, 2 से 4 के बीच में ना सर, 2 से 4 पित्त काल होता है सुबह वाट, 10 से 2 रहता है ना पित्त का काल, 10 से 2 हाँ राइट पित्त का काल, हाँ वाट का काल, तो वाट रिश्वल की मतलब जिस मतलब टाइम पीरियड का है तो उसी की रिश्वल की दवाइयाँ मैं हृदरोग की दवाइयाँ उसमें प्रेफर करूंगी, और साथ में सर जैसे बताया मैम ने योगेंद्र डेफिनेटली दूंगी उसमें, और क्योंकि वाट की संप्राप्ति लग रही है तो जोत वाट को चिंतामणि रस साथ में और स्वर्ण शुद्ध शेखर रस साथ में इसमें ऐड करूंगी सर, और साथ में इसमें और अगर सर और एकदम से तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इतना करूंगी जी सर। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। अभी हम और लोगों से पूछते हैं, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप क्या देंगे? वैद्य सरोज मिश्रा जी आपके पास फोन आया कि एक्टर को हार्ट में पेन हो रहा है 3 बजे, तो आप क्या देंगे दवाई? सर प्रणाम। प्रणाम सर बताइए। ये एक्चुअली मेरे पास एक केस इस तरीके का आया था, MI का केस। हाँ। तो जनरली क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में ये नाइट्रेट्स वगैरह चलाते हैं, सॉर्बिट्रेट वगैरह टंकी नीचे। आयुर्वेद का बताइए, आयुर्वेद का बस बताइए। वही मैं युक्ति बता रहा हूँ सर, युक्ति। हाँ। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने देखा पूरे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वहां पे कोई सॉर्बिट्रेट वगैरह अवेलेबल थी नहीं,
तो मैं अपनी डिस्पेंसरी में अंदर की तरफ घुसा, देखा अर्जुन का चूर्ण पड़ा हुआ है जी। अर्जुन का चूर्ण एक चम्मच निकाला, टंग के नीचे डाला जी। एमआई का अटैक था, उसका पता भी चल जाता है। जैसे अभी ये कंचन मैडम थी शायद जो पतंजलि में है, वो अभी 90 या 95 ईयर्स वाले केस के बारे में कह रही थी कि अम्ल पित्त था और अम्ल पित्त की हमने चिकित्सा की, उससे फायदा मिल गया। लेकिन ये जो लक्षण अम्ल पित्त के होते हैं और हार्ट के मिमिक करते हैं, आप अम्ल पित्त की चिकित्सा करके शायद लक्षणों में सबसाइड कर सकें, लेकिन उसकी जो संप्राप्ति है वो हार्ट की तरफ भी देख के उसकी डायग्नोसिस जरूर बनानी चाहिए थी। जैसे कह रही थी कि उसको शायद एंजियोग्राफी तक पहुंचा देते, बेटर है कि ब्लॉकेज छोटे मोटे होंगे जो कि कल को बढ़ के बहुत ज्यादा या 100% हो जाएं, तो उसको इस हिसाब से डायग्नोस तो करवा ही लेना चाहिए। अगर जो थोड़े बहुत छोटे मोटे, ठीक है सर, वो इमरजेंसी कंडीशन वाला कहानी बताइए आप क्या देंगे। तो इमरजेंसी कंडीशन में जैसे सिम्टोमेटिक उसमें जैसे इन्होंने कंचन मैडम ने बताया था खांसी करवा के, अगर कहीं पे ब्लॉकेज होता है तो खांसी करवा के जो आपका थ्रोम्बस कहीं पे अटका पड़ा होता है तो वो शायद मूव कर जाता है, तो इसकी वजह से कार्डियक जो ब्लड सप्लाई है वो दोबारा से रीगेन कर सकती है जी। इसके अलावा एक तो आप अर्जुन की चूर्ण को टंग के नीचे डाल सकते हैं, दूसरा आप प्रभाकर वटी वगैरह उसको ट्राई कर सकते हैं साथ में, चूंकि ये कार्डियक प्रॉब्लम्स रहती हैं तो ये आपका अम्ल पित्त के साथ ही आएंगी, पेन के साथ ही आएंगी, तो अम्ल पित्त को सबसाइड करने भी के लिए भी आपको या तो उस समय लघुसूत शेखर रस वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लघुसूत शेखर रस नाक में डालने वाला इंडिकेशन भी करवा के देखा जाए और टंग के नीचे भी डाला जाए सबलिंगुअल और नेजल रूट में जी। इसके अलावा नस वगैरह भी ट्राई किया जाए तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अभी तक ट्राई तो नहीं किया लेकिन दिमाग में आ रही है इस तरीके की फीलिंग की अगर जो कोई आए तो इसका रिजल्ट इसमें मिल सकता है। एक तो क्या हुआ कि ये कर सकते हैं खांसी वगैरह दिलवा के उसका थ्रोम्बस को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा सकती है, नंबर एक। नंबर दो, टंग के नीचे अर्जुन का चूर्ण डलवाया जा सकता है। इसके अलावा आप प्रभाकर वटी या हृदयामृत वटी जो पतंजलि की आती है वो दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज, आप नाक में लघु सूशेखर रस वगैरह भी डलवा सकते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स उसके डेवलप हो रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसमें ट्राई कर सकते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप मर्म पॉइंट्स पे भी जा सकते हैं। मर्म पॉइंट्स में जैसे तल हृदय मर्म है, तल हृदय मर्म का स्टिमुलेशन, क्षिप्र मर्म का स्टिमुलेशन ये कर सकते हैं जी। और उसको क्या कहते हैं, रेस्ट की कंडीशन में लिटाल देना है ताकि पैरों को थोड़ा ऊपर उठा देना है ताकि उसकी जो पूरे शरीर के एक्सट्रीमिटीज की सारी सप्लाई हार्ट की तरफ सेंट्रलाइज्ड हो जाए, ताकि या थोड़ा मोटा लगा देना है, या अगर जो हमारे पास इमरजेंसी बेड है तो उसमें बेड का जो पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा कर देना है ताकि हार्ट को ब्लड की सप्लाई उसको मिल सके, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट की ब्लड वेसल्स में जिनको कहते हैं नमस्कार, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कभी भी अगर पेशेंट को एमआई है, अगर हमारे हाथ का फ्रैक्चर है तो हम लोग उससे काम नहीं कराते, अगर हमारा पेट बीमार है तो हम लोग खाना नहीं देते, वेट करते हैं ताकि बॉडी रिवाइव हो जाए। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और पैर को आप ऊंचा करेंगे तो सारा सर्कुलेशन जो हार्ट पे जाएगा, इससे हार्ट को उस चीज को पंपिंग करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। आप कार्डियक लोड बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको दोबारा अगेन। अच्छा बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली ब्लॉकेज कहाँ पे है? इसमें ब्लॉकेज है जो कार्डियक आर्टरीज होती हैं, है ना, कार्डियक आर्टरीज में जो लेफ्ट एंड राइट कार्डियक आर्टरीज हैं उनकी ब्रांचेज में कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है। अब ब्लॉकेज होने से हुआ क्या, कार्डियक पंपिंग एक्टिविटी ऑलरेडी रुक चुकी है, जब पंप कर ही नहीं पा रहा है तो क्या आप ओवरलोड बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो पैर तो ऊपर करा रहे हो ना आप, तो पैर ऊपर करवा रहे हो ना? निश्चित रूप से करा रहा हूँ, निश्चित रूप राइट वेंट्रिकल का रिफिलिंग होगा डॉक्टर साहब, इसलिए करा रहा हूँ कि कार्डियक को ज्यादा
वो क्या कहते हैं वर्क लोड ना उठाना पड़े, है ना? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। आप वापस से इसको रीअसेस कीजिए, ये गलत थ्योरी है। यहाँ पर जो बोला जाता है पेशेंट को पैर नीचे लटका के रखिए, इडिमा होता है तो होने दीजिए। पेशेंट को सामने में फॉरवर्ड बेंडिंग करके पीलो करके माथा नीचे करने बोला जाता है, ताकि जो हार्ट जो ये जो ऊपर की तरफ पंपिंग ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की तरफ पंपिंग करता है वो इजली जाए, ओर्टा में जो सर्कुलेशन इजली चल जाए। यहाँ पर कार्डियक प्रेशर मेंटेन करने के लिए बोला जाता है नेवर नेवर टू द पावर इनफिनिटी, इम्पॉसिबल। ब्रेन की तरफ जो आपका पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ब्रेन को हमने अगर जो पैर में मैक्सिमम पुलिंग ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट में ब्लड का होना चाहिए अगर पेशेंट को एमआई है, एंड दैट शुड नॉट बी अलाउड टू कीप बोथ द फुट एलिवेटेड, नॉट अलाउड। नहीं, ये ब्रेन का तो मैं आपका मान सकता हूँ कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई अगर जो एक मिनट सर कार्डियक प्रेशर बोल करके कंडीशन है, दैट इज टू बी अवेलेबल ओनली व्हेन आइदर पेशेंट टू बी लाइंग डाउन विथ वन स्मॉल पिलो बिलो द नेक, एंड सेकेंड थिंग कीप द बोथ द लेग हैंगिंग, पेशेंट का दोनों पैर लटका हुआ होना चाहिए ताकि मैक्सिमम ब्लड का जो पुलिंग होगा वो पैर में चला जाएगा। कार्डियक के ऊपर में एक्शन का कार्डियक को हार्ट के ऊपर में वॉल्यूम लोड कम होगा, हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, अगर इसमें प्रॉब्लम तो है कि हार्ट तो काम कर ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम द, अगर टोटल बंद कर देगा तो पेशेंट ही मर जाएगा सर, ऐसा थोड़ी होता है। किसमें कहां देखिए साहब, एक देखिए बढ़ा देगा कार्डियक आर्टरीज जो है वो लेफ्ट एंड राइट कार्डियक आर्टरीज हैं। अरे सर कार्डियक आर्टरी नहीं, वो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई देती है। हुआ है थ्रॉम्बस फंसे होने की वजह से जिस पार्ट में हार्ट के ब्लड की सप्लाई नहीं जा पा रही है। आप थ्रॉम्बस की बात कर रहे हैं, पेशेंट को तो आर्टरी डेवलप होगा, देयर आफ्टर वहाँ पे एमआई डेवलप होगा, ठीक है? वो वाला एरिया कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा हार्ट के दूसरे एरिया से, इसकी वजह से। आप जितनी बातें ये जो बोल रहे हो सब सही है, लेकिन आप जो वो जो पैर ऊपर करने की बात कर रहे एकदम गलत है। चलिए पैर ऊपर करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा रोगी का। और दूसरी जो बात है ना कि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, मैं आपको अकेले भी बोल सकता था, लेकिन ये गलत मैसेज अपने जूनियर्स में जा रहा है, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी। इस पर रीअसेस करूंगा यार, और कहीं अगर जो इसका लिटरेचर है तो प्लीज शेयर करिएगा। सर मेरे बॉस के पास तो मैं 9 साल रह करके आ चुका हूँ कार्डियक के पास। देखिए विदाउट बीइंग लिटरेचर मैं कोई भी बात नहीं मानूंगा। हाँ मत मानिए सर, और मेरे को लिटरेचर मिलेगा तो भेज दूंगा, और खोजने का समय नहीं है मेरे पास सर राइट नाउ, सॉरी टू से। ओके ओके, मौका नहीं है सर, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप जाइए गो थ्रू द बुक, यू विल फाइंड इट आउट व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको जब पेशेंट को एमआई होता है तो फुट एंड एलिवेट नहीं करना है, फुट एंड को नीचे रखना है। अपने आप से भी खोजने की कोशिश करूंगा अगर ये थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर श्रुति निगम जी आपके पास फोन आया कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी को हार्ट में पेन हो रहा है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो श्रुति निगम मैडम जी आप क्या देंगी ट्रीटमेंट? डॉक्टर श्रुति निगम जी आप बताइए। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, मैं तो सबसे पहले वस्ती दूंगी दशमूल की। अच्छा। क्योंकि मुझे वात का अनुलोमन करना है, तो सबसे पहले बाकी सब तो जो भी मेडिसिन है वो तो बात की बात है, नहीं हाँ। है दशमूल तो तिल तेल दे दीजिए, कुछ भी वात का अनुलोमन करना है उसको, इमरजेंसी कंडीशन की आपने बात की तो हाँ। मैं तो यही करूंगी, बाकी सब बाद में करती रहूंगी। एक मिनट मनोज जी, बिल्कुल सर, आपका स्वागत। नहीं नहीं सर, मनोज सर को बोलने दीजिए, मैं अभी चुप होती हूँ, पहले और लोगों को बोलने दीजिए फिर मनोज जी आप बताइएगा। डॉक्टर अनुरीता जी आप क्या देंगी? डॉक्टर अनुरीता सालवे मैडम सुन पा रही हैं क्या? यस यस सर, मैं इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक के वक्त में पहुंची, सो आई एम वेरी थैंकफुल, लेट मी लिसन एवरीबॉडी, मैं पक्का बताऊंगी अभी बिकॉज दैट इज माई प्रोमो। और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेके तो आपने बहुत अच्छी चीज ये की है। बस मनोज जी सबको बोलने दीजिए, सबका कंसेप्ट क्लियर क्या क्या है दिमाग में वो पता चलने दीजिए। क्या पता हमको कुछ, एक चीज और बोलूंगी सर, क्योंकि वो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत जिम वगैरह करते थे तो बात तो वैसी बड़ी होगी, तो वस्ती देनी चाहिए। छोटे मैडम से मैं एग्री करता हूँ, वात का अनुलोमन करना है। यहाँ पे एरंड तेल भी पिलाएंगे सर, उसको भी दे सकते हैं, तिल का तेल भी दे सकते हैं और वस्ती भी दे सकते हैं।
इमरजेंसी में ही करना। ठीक है ठीक है, अभी हम दूसरे लोगों का भी चांस लेते देते हैं, वो लोग क्या क्या मत है। डॉक्टर अनुरीता जी का सुनेंगे। डॉक्टर शुक्ला मैडम जी, डॉक्टर शुक्ला मैडम जी आप क्या मर्म पॉइंट का करेंगी, आप बता सकती हैं इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट का पेन हो रहा है? तरल वाल हृदय करूंगी। तो आप वीडियो ऑन करके दिखाइए आप क्या करेंगी। किसी पेशेंट का इवन एक्सपीरियंस भी बताया, किसी के फादर को एकदम कार्डियक एमआई रहा और उन्होंने इमीडिएटली हस्तल ये मर्म किया एंड वो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया एंड ये उनका कंट्रोल हो गया था बीपी। आप तो थोड़ा वीडियो ऑन करके दिखाएंगे कि क्या करना है, कौन से मर्म? सर किसी और को बोल दीजिए प्लीज। ठीक है, किसी और को आता है क्या कोई मर्म बताना? हार्ट का पेशेंट है और पेन हो रहा है बहुत ज्यादा सीवियर, रात के 3 बजे है, तो क्या करना चाहिए, कौन से मर्म दबाने चाहिए? किसी को आता है तो बताइए कृपया। तल हृदय मर्म दबाना चाहिए सर। आप वीडियो ऑन करके सिखाएंगे सभी को? आकांक्षा जी आपको आता है? गंगवार सर कृपया आप दिखा सकते हैं? हाँ सर, लेकिन मुझे सर वीडियो कैसे चलेगा? हाँ कौन बताएगा? आता है सर। जी आप बताएंगे, अनिश जी कौन इससे कितना देर में आराम पड़ेगा? अब सर 1 मिनट में 18 बार दबाते हैं, इमरजेंसी ज्यादा दबा सकते हैं सर जी। देखिए आप लोग सब लोग सीख लीजिए, अगर किसी का फोन आया तो दोनों हाथ का दबाना है, दोनों हाथ का या एक लेफ्ट हैंड का ही? वो समय तो पहले एक का दबा दीजिए फिर दूसरा दबा दीजिए। दोनों हाथ दोनों पैरों के तल हृदय में दबाइए। ऐसे ऐसे ही जो है तलवे का दबाना है सर। सर कैसे बताया प्लीज, थोड़ा ब्रेक हो गया था। सेंटर में बताया क्या आपने? सेंटर में नहीं मैडम, ये जो सेंटर फिंगर आ रही है ऐसे किया हमने उंगली, ठीक है, और जो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से जो 18 बार ये ऐसे लाइन खींच लीजिए, ड्रा कर लीजिए, एक ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए जो यहाँ पे आता है। ओके सर, मिड फिंगर का स्टेट में? हाँ मिड फिंगर, ऐसे ऐसे करके मैडम, ऐसे करके। ओके 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 ठीक है सर जी जी, थैंक यू सर। और सर पैर में भी ऐसे ही करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, पैर में भी। ओके ओके, देखिए सब लोग सीख लीजिए, आप लोग के पेशेंट का जिंदगी बचाना है आप लोग को। ठीक है बहुत बढ़िया, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। कितना ड्यूरेशन करना है इसको? 1 मिनट में 18 बार करना होता है, 15 से 18 बार। 0.8 सेकंड के हिसाब से का कार्डियक साइकिल चलता है ना, 0.08 सेकंड, उसी हिसाब से दबाना। और सर इसमें गर्भपात चिंतामणि भी सब लिंगुअल दें तो फायदा होगा मेरे ख्याल से। पद्माकर जी आप भी कुछ बताना चाहते हैं क्या? पद्माकर श्रीवास्तव जी अनम्यूट करिए कृपया। डॉक्टर पद्माकर जी आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर पद्माकर जी म्यूट है आपका। हाँ सर बताइए सर। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, सबसे फर्स्ट जो वात काल है तो वात काल में जैसे अगर हमें बस्ती दे देना है जैसे मैडम ने बताया, वो सबसे जरूरी काम है। दूसरा अगर हमारा जो मर्म चिकित्सा है तो हमें कूपर मर्म पे उनको स्पेशल देना चाहिए। कूपर मर्म ये होता है उसको मिडिल हैंड से यहाँ पे उसको दबाना चाहिए कम से 15-20 बार, और जो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पॉइंट पे प्रेस करना चाहिए, उससे जो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। अगर हार्ट अटैक का या ऐसे जहाँ पे हमें औषधि नहीं है उस समय हमें कूपर मर्म का उत्प्रेरण करना चाहिए। और दूसरी चीज सर तल हृदय हुआ और वो उसको भी अगर हम उत्प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर हमें टाइम है तो पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, नहीं तो अगर जैसे उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला अगर व्यक्तिगत बात है तो वहां पे वो जिम करते थे, इसका मतलब उनके अंदर रुक्षता बहुत बड़ी हुई थी, तो हम हृदय प्रदेश में हृदय बस्ती भी दिया जा सकता है। और बस्ती के साथ हृदय बस्ती और औषधियां में हमें जैसे बृहद वात चिंतामणि है या जहर मरा पिष्टी भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों में वात पित्त का बहुत प्रकोप होता है, तो बृहद वात जवाहर मोहरा पिष्टी बहुत बढ़िया काम करता है सर।
बहुत बढ़िया बताया सर, थैंक यू सर। और कोई बताना चाहता है क्या कुछ? सभी लोग का स्वागत है, अपना अपना ज्ञान बताइए। आप बोलिए, आपका सुनने के लिए बैठे सर। जो भी सबने बताया बिल्कुल जिस भी एंगल से बताइए, सारी चीजें अवेलेबल, आपको टाइम अगर मिलता है तो इस सब चीज को करने की हमें अवधि मिलता है। लेकिन जो सिद्धार्थ शुक्ला की केस मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज सीरियसली ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा व्यक्ति, किसी इस अवस्था में ना चला जाए, तो इसके लिए हमने भी सतर्क रहना चाहिए। इसके ऊपर एक इमरजेंसी टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउ द सीपीआर इज गिवन, क्या इमरजेंसी लक्षण है। लेकिन मैं शास्त्रोक्त जो है, या मैं जैसे डील करती हूँ उस, इसमें मैंने काफी केसेस को डील करते हुए मैंने इंट्राकार्डियक इंजेक्शन भी दिया है व्हेन आई वाज यंगस्टर, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ। तो इसकी वजह से हमें ये मर्म के स्थान के साथ में खेलने के लिए हमको डर लगता है। जैसे किसी ने बोला कि पैर ऊपर करना, हमारा जो भी नॉलेज है सबका एप्लीकेबल है, लेकिन जब भी इमरजेंसी तो हमारे चरक का सिद्धि स्थान में अभिघात करके हुदशूल, जो एमआई टाइप के लक्षण है जिसमें श्वास, डिस्निया, कृच्छता, ये सारा जो भी हमारे एमआई अटैक में दिखता है, क्योंकि जब उसको 1 o'clock या 1.5 शायद कुछ टाइम था जब उसको पेन शुरू हुआ होगा, और वो तब उठा था शुक्ला, और सिद्धार्थ ने शायद कुछ पेन किलर या कुछ ऐसे हेडेक की गोली ली थी, ही वॉज विद द इनटेक ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन उसकी हिस्ट्री मैंने निकाली कुछ केस स्टडी करते वक्त में, ही वॉज अ क्रॉनिक स्मोकर ऑल्सो। तो ये इस केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो जो अभिघात है उसको लेके अगर हम जो तीव्र शूल या उस कंडीशन में है, और हम ऐसे समझते कि जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मर्म है, उस मर्म जैसे हमारे मर्म सिखाए जाते हैं, तो हमारे स्थान वैकल्य कर का अलग है, सद्य प्राणहर अलग है, उसके साथ में जो रुजा कर है वो अलग है। तो इसमें भी आप ये समझिए कि हमारा साइनस अरिदमिया या जो हमारी जहां से बीट शुरू होती है एसए नोड, वो सद्य प्राणहर है, कि अगर वहां पे हमारी जो भी कार्डियक वेसल्स है वहां पे मेजर ब्लॉक अगर एलईडी है, राइट एलईडी है, और वहां पे ऐसे नोड ही खत्म हो गया, तो यू डोंट गेट अ टाइम। आप सद्य प्राणहर केस में आप अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर आपने पुष्कर मूल, हिंगू चूर्ण, हरितकी और श्वासकाश चिंतामणि और इस टाइप के जो इमीजिएटली वहां की प्राण को और उस मर्म को इमीजिएटली जो काम करे, ऐसे मैं सब लिंगुअली देती हूँ। अगर पेशेंट कॉन्शियस लेवल पे है तो आई यूज ओमेगा 3-9 कॉम्बिनेशन जो मैं इंपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उस वक्त में शीरबला या दशु, एक्चुअली उस वक्त में पेन कम करने के लिए जो मैडम ने बोला वो सीरियसली बहुत अच्छा योग है, लेकिन इफ यू डोंट गेट अ टाइम एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बस्ती दे सके, तो भी दशमूल तेल, या उस दिन शायद किसी सर ने बताया था, तो जो हिंगवादी तेल है या दशमूल तेल, ये आपकी इमरजेंसी इसमें होनी चाहिए। अर्क जो है, बड़ी शोप अर्क है या फिर जीरा अर्क है, ये सारे हमारे इमरजेंसी इसमें होने चाहिए जो इंस्टेंट पेन कम करते हैं। और काफी बार क्या होता है कि एसिडिटी रिलेटेड, मतलब जो हमारी पूरी संप्राप्ति बताई है उस इसमें गैस कई तो भी, या फिर अलसक जैसी कंडीशन में खाना खा के आए वो बिल्कुल हिला नहीं है, और उस वक्त में ऊपर का प्रकोप प्रकोप होने के बाद में एमआई अटैक आते हुए दिखाई। ये मैंने जितनी मेरे पास में कार्डियक, आई डील विद ट्रिपल वेसल, आई डील विद क्रिटिकल ट्रिपल वेसल, देन डायबिटिक इंड्यूस, इसमें तो उस सारी जब मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे ये दिखता है कि वहां पे शुरुआत कुछ कंटिन्यूस इसमें आम से, आम के बाद में विबंध, और उसके साथ में अगर अलसक जैसी चिकित्सा हम करते हैं, अलसक जैसे जब लक्षण दिखते तो उसके बाद में, या फिर विदग्ध पित्त अवस्था में उसका चेस्ट पेन और ये होता है, उसके बाद में एमआई का लक्षण वगैरह दिखते। तो ऐसी कंडीशन में मैं जो भी योग बनाती हूँ तो उस हिस्से, क्योंकि तब टाइम नहीं रहता है प्रकृति की विकृति देखने के लिए, तो आपके पास का ये चीज बहुत ही इंस्टेंट होना चाहिए। लेकिन सब लिंगुअली जो ओमेगा 3-9 का कॉम्बिनेशन यूज करती है, जो प्रूवन है लास्ट 15 ईयर से प्रूवन है, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका विकासित्व, उसका विवाहित्व इतना फास्ट है कि विदाउट पचन प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में वो सब लिंगुअली आपके ब्लड में ये जो सारे द्रव्य है जो स्रोत का मुख खोलेंगे, इसमें कभी कभी मुस्ता भी यूज करना पड़ता है, कभी कभी त्रिकटू भी यूज करना पड़ता है। तो जैसी अवस्था है, जैसे मुझे लगता है कुछ इसकी अगर जल्दी मिल जाता है, तो उस कंडीशन में ये सारा जो चीज चूर्ण है उसको, अगर घन फॉर्मेट है तो आप जल्दी से बारीक कर लीजिए, क्योंकि घन का पावर ज्यादा रहता है, वरना ये चूर्ण, और उसको आप संविलिंगली देते हैं, तो काफी बार अंजाइनल पेन से और इसमें से बाहर आते हुए भी नजर आता है। मैं ऐसे केसेस डील कर चुकी हूँ। दूसरा, मैं एल आर्जिनिन
करके है जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और जो नेचुरल है, लेकिन उसका मैं सहारा लेके जैसे आईवी के थ्रू डाला जाता है या फिर किसी हम ब्रेन की अगर कोई पैथोलॉजी तो मैनिटॉल लगा देते हैं, तो उसी टाइप से हमको जब आयुर्वेद पे काम करना है तो दशमूल तेल और शीरबला तेल, ये दो तेल, लेकिन आपको वो मार्ग मिलना चाहिए, पेशेंट कॉन्शियस लेवल में चाहिए आपको सबलिंगुअली, उसने जैसे आजकल कैप्सूल्स वगैरह आती तो वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, मैं अरविंद सर से बात करके फिर करने वाली, लेकिन मैं प्योर जो भी तेल है अगर साउथ का मुझे मिलता है तो वो चीज, और सुवर्ण भस्म का बिल्कुल भी कोई भी योगा आपको जो पसंद है, सुवर्ण वाली पसंद है, सुवर्णमाक्षी या फिर वात विध्वंस है, उसमें से जो भी योग जो इंस्टेंट काम करे और अच्छी फाइन क्वालिटी का इंस्टेंट, उसके बहुत अच्छी तरह से कूट करके उसको सबसे पहले चार्टन फॉर्मेट में दे दो, अगर आपके पास में अच्छा शहद है, अच्छा शहद तभी मैं बोलूंगी, तो उसके साथ में दे दो, लेकिन सबलिंगुअली डालो मुंह के अंदर में। और दूसरा ये जो हमारा मर्म है नस्य, जो हमारा नाक का ये वहां पे प्रधमन नस्य आपको जो भी नजर आए, मैं ऐसे कई बार कर चुकी हूँ जब पेशेंट का मुझे डाउट है और ईसीजी ले जाने तक का समय है और पेशेंट मेरी रीच में है, अगर वो मॉडर्न के वहां पे आता तो फिर हमको काफी सारे चांसेस मिलते कि भाई उनका जो भी है वो नाइट्रोग्लिसरीन चल रहा है, बाकी का चल रहा है, और फिर आप अभ्यंतर द्रव्य दे पाए या बस्ती दे पाए, और सबने जो बताया सीरियसली वो सब कुछ वर्कआउट होता है, बट हार्ट डिसीज इज अ सच एन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो मर्म भी है वो अगर जैसे हमारे रुजाकर केस में बोला कि उसके आजू बाजू भी अगर कोई पैथोलॉजी है, मतलब इसके पहले उसने फर्स्ट अटैक आ चुका है, उसका स्टेंट डाला गया है और उसके बाद में उसको जब सेकेंड एमआई बैठता है या सेकेंड टाइम उसको जब तकलीफ होती है, तो जो पहला वाला स्टेंट है इट एक्ट्स एज इन फॉरेन बॉडी और वहां पे वो रुजाकर करके उसने काफी दिनों से वात प्रकोप किया होता है, तो उस वक्त में आपको ये मतलब उसका तुरंत हिस्ट्री या नाड़ी जो नाड़ी तज्ञ है या सर जैसे मर्म बताते हो, तो थैंक्स अ लॉट मैडम जो आपने मर्म दिखाया, तो अगली बार में मैं ये भी चीज देखूंगी कि इंस्टेंटली, बिकॉज सर ने आज एक वीडियो दिखाया था तो उसमें तुरंत जो भी वो है दिखा मुझे चेंजेस, तो वो चीज भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो रूट्स है उनको जरूर अपनाइए। और दूसरा सीपीआर, डोंट फॉरगेट दैट कि यू हैव टू यूज सीपीआर इफ यू आर फाइंडिंग दैट पेशेंट इज सिंकिंग एंड यू डोंट हैव अ टाइम, ओके। और जो मैंने ये दो चीज बताया उस पर मैं कभी बताऊंगी, बट आई डू यूज एलार्जिनिंग क्योंकि वो इमीडिएटली वैसोडायलेटेशन करता है। और परसों मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थी तो उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा स्टडी चल रहा है क्योंकि अगध है वो और भंगा से प्रिपेयर्ड डिजिटालिस और इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, अभी तक यूज मैंने किसी पे नहीं किया, लेकिन अगर मेरे हाथ में कुछ अच्छा लगता है, कुछ बॉम्बे कंपनी है बॉम्बे हैम्प्स करके, और वो बॉम्बे हैम्प्स ने भंगा यूज करके कुछ निकाला है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा वो श्लोक, तो उसके अंदर भी जो बताया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो तीव्र वात प्रकोप की अवस्था है तो उसमें हमारी सिद्धि स्थान में भी चरक में इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे अभिघादश मर्म करके जो चिकित्सा बताई गई तो वो बहुत संलग्न करती है। अरविंद सर अगर कभी वो पार्ट निकाल दे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं यूज करती हूँ। और हिंगू का पिंकली में श्रोताओं दूर करने के लिए पुष्कर मूल है, उसके बाद में नारदीय लक्ष्मी विलास है, जो भी श्वास में हम यूज करते हैं वो भी कुछ भस्म और सुवर्ण का, अगर ये करके आप सबलिंगुअली करते हो तो सबसाइड होने में हेल्प होता है, फिर आपको टाइम मिलता है जो भी है उसके सक्सेशन में प्रकृति जानने का, विकृति जानने। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी डॉक्टर वैद्य बलराज सिंह सर आप कुछ बताएंगे क्या सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ सर बताइए। मेरे एरिया में जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो अफीम खिलाते हैं जी, अफीम जी और तो कोई भी नहीं मरता है, है अफीम। हाँ जी, कोई भी नहीं मरता जी अफीम खाने से जी, और सारी मतलब इस एरिया में अफीम बहुत सभी के घरों में रखते हैं लोग भाई, इमरजेंसी के लिए रखते हैं लोग, और अफीम खाने से कोई नहीं मरता जी अटैक वाला जी। सर इसके बारे में थोड़ा, जो भंगा है अफीम है उसके बीज का, उसके पत्तों का और उसके मूल का, तीनों का अलग अलग वे मैं इसी कॉन्फ्रेंस में सीखी हूँ, नहीं तो इसके पहले मैं भी। और ये जो सर बता रहे हैं जहाँ पे खेती होती है, और ये बुरा बात ऐसे कि इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्चुअली अलाउ नहीं करता, देर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस गोइंग ऑन आउटसाइड इंडिया कि जहाँ पे भंगा को यूज किया जाता है एज एन इमरजेंसी ड्रग पोटेंट वैसोडायलेटर। और मैंने अभी बॉम्बे हेम्प करके जिसका मैंने R&D पढ़ा तो कुछ ज्यादा अच्छा मुझे लगा स्टैंडर्डाइजेशन उसका, तो अगर मुझे उसमें से कुछ फाइंडिंग आउट होता है बिकॉज आई एम रियली नॉट गेटिंग टाइम फॉर स्टडीज तो मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन भंगा के पत्र जो है वो यूज करेंगे तो उसमें वो फेटल या
अगत के अंदर जो बताया है वैसे नहीं है वो, या उसके इमीडिएटली जो लक्षण व्यवहारिक विकास होने के बाद में जो नशे के दिखते हैं वो अलग चीज है, वो अफीम का अलग हिस्सा, मतलब भंगा का अलग हिस्सा है। मेरा स्टडी होने के बाद में पक्का मैं आयुष दर्पण में रखूंगी। आपने सही बताया सर, काफी लोग यूज करते हैं। हाँ, मेरे एरिया में तो कोई नहीं मरता जी, एक बार उसको बचा देते हैं जैसे बिल्कुल पेन कितना यो, और उसको अस्पताल में पहुंचा देते हैं। सर अफीम का दूध यूज करते हैं कि कैसे यूज करते हैं, क्या किस हिसाब से यूज करते हैं? क्या जी अफीम का वो आता जी काला काला सा, उसमें दूध बोलते हैं उसको जी, हमारी भाषा में दूध बोलते हैं उसको, काला काला होता है। सर उसका फोटो जरूर भेज दीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि कितना यूज करते हैं? बस जो सेहत वाला आदमी है उसको चने के दाने के समान। मैम 125 मिलीग्राम? नहीं 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 सर, चने का दाना 1 मिलीग्राम कमजोर है, अगर सेहत कमजोर है बंदे की तो गेहूं के दाने जितना ही चल जाता है। गर्म पानी में किस फॉर्म में यूज करते हैं? कोई गर्म पानी के साथ दे देते हैं जी, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है ये? ये पंजाब के साथ लगता हूँ, हरियाणा जी। क्या है सर नाम, जगह का नाम क्या है? ये जैसे टोहाना एरिया जी, टोहाना, टोहाना में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये तो सारे घरों में रखते हैं लोग, इसी के लिए रखते हैं स्पेशल एमरजेंसी के। मैम बिलीव करिए, इस पे इतना ज्यादा रिसर्च हो रहा है कि भंगा के जो पत्ते हैं ना, उस पत्तों का मैंने सुना है वो महर्षि आयुर्वेद के कोर मेंबर है और डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, आयुर्वेदिक ही है, तो उन्होंने अनिद्रा करके टैबलेट निकाला है और उस अनिद्रा में जितना परमिसिबल अमाउंट है उस, लेकिन सिर्फ उस ड्रग के लिए, जैसे हम जो ये CNS पे काम करने वाले मॉडर्न कैसे विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते, तो उन्होंने जो बॉम्बे हेम्प कंपनी है और महर्षि आयुर्वेद, इन्होंने भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ये गोली नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर भंगा यूज किया गया, लेकिन भंगा का मूल या भंगा का बीज नहीं, जो अफीम बनती है वो बीज से बनती है और इसके जो पत्ते या कुछ फ्लोरा रहता है, मतलब फ्लोरल कुछ इसके कंटेंट रहते हैं, मेरा स्टडी होने के बाद मैं पक्का रखूंगी, लेकिन इसके पत्ते जो है ना वो हम नेग्लिजिबल फॉर्मेट में, मतलब पत्तों का यूज 1 मिलीग्राम फॉर्मेट में परमिसिबल अमाउंट है, जो नशा नहीं करता है, लेकिन पूरी तरह वात व नाड़ी, पूरी तरह वात व संस्था, वातिक का जो भी प्रकोप की अवस्था है वो पेन बहुत सबसाइड करने में काम आता है, और ये मैंने मतलब उसके लिए मैं पिछली बार दिल्ली आई थी उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने वो अटेंड किया। लेकिन आप भंगा की बात कर रहे हैं सर, अफीम अहिफेन की बात कर रहे हैं, वो दोनों को अलग अफीम जो बनती है वो फ्रूट से बनती है, अफीम अहिफेन है मैम, जो भांग की बात कर रहे हैं वो लेकिन उसी के कंटेंट से अफीम भी बनता है, ये जो बता रहे हैं वो गलत है, आप अफीम नहीं बनता मैडम, एक ही पेड़ से अफीम के पेड़ से पत्तों से चरस बनेगी, भांग बनेगी, अलग अलग चीज बनती है मैडम, भांग भी बनती है उसके फूट से, ये सब एक ही पेड़ के हैं सारे सारे। पॉपी फ्लावर्स जो होते हैं जिसके पॉपी प्लांट कहते हैं शायद उसको, ये जो प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको कुछ मतलब फार्मिंग करना मैम वो इलीगल है, के पास जो है अफीम की खेती होती है सर उत्तर प्रदेश का, उसका अफीम का प्लांट होता है, उसमें फल लगते हैं, फल में एक चीरा लगा के तब उसमें हेलो भांग अलग है, समझ नहीं आ रहा प्लीज सर। हेलो, ये कैनबिस सटाइवा है वो, ये भांग है और अफीम अलग होती है, कैनबिस सटाइवा ये भांग से है ना टैबलेट बनती है, त्रैलोक की विजयावटी करेक्ट सर, त्रैलोक की विजयावटी बनती है, वो भांग से बनती है मैडम, भांग अलग है और अहिफेन अलग है, अहिफेन अलग है सर, लेकिन चरस भी उसी का कुछ प्लांटल प्लांट के एक्सट्रैक्ट है, अलग अलग अंग है, लेकिन मेरा मैंने एक ही जस्ट अटेंड किया, मुझे स्टडी करने के लिए टाइम नहीं मिला, मुझे जब मिलेगा इसका कंटेंट एक्स्ट्रैक्ट को चरस बोलते हैं, एक्स्ट्रैक्ट को चरस बोलते हैं। नहीं नहीं, इससे मैं बताऊं अफीम के दूध से ये सारी चीजें, इसके पोस्त दाने भी होते हैं, जो खसखस होती है ना खसखस,
वो अफीम के दाने होते हैं। हाँ जी, यस यस सर, सही बात है, बिल्कुल सही है। ये अलग है बिल्कुल ही। हाँ जी, कहाँ अफीम होती है? एक ही प्लांट के सारे सारे हैं। प्लीज क्लियर कर दीजिए प्लीज, पोस्ट के दाने क्या होते हैं? पोस्ट के दाने क्या होते हैं? मैं बोलूं जी कुछ इस पे? जी आप बोलिए, आप बोलिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। सर आप बोलिए, आप जो कह रहे हैं आप बोलिए, एक वक्त में एक ही बोलिए ताकि पता चले। जी मैं बोलूं कुछ? हमारे यहाँ बाराबंकी में बहुत बड़ा फार्मिंग सेंटर है, अफीम होता है। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। करते हैं अभी ना, एक एक करके सब लोग बोलेंगे, सभी को चांस मिलेगा। एक साथ सब बोल रहे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने सबको म्यूट किया है, अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। और एक एक करके बोलिए, सब लोग बोलिए, लेकिन एक एक करके बोलिए। जी आप सर बोलिए। मैं बोलूं सर? आप हैंड रेस कर दीजिए, सबको चांस मिलेगा एक के बाद एक। पाठक सर आप नाम बोलिए, किसको बोलना है? मैं आप लोग का सुन रहा हूँ, अभी बाद में बोलूंगा। जी सर, जितेंद्र बात कर रहा हूँ मैं, डिटेल समझाता हूँ। बोलूं हैंड रेस करके बोलिए। आप बोल दीजिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, शायद कुछ अच्छा बताना चाह रहे हैं। पहले रमन गर्ग जी बोलेंगे, हैंड रेस जिन्होंने किया है वही बोल सकते हैं। हाँ सर बोलू, मैंने कर दिया है। हाँ पहले रमन जी आप बोलेंगे, रमन गर्ग जी आप बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए सर। भांग और अफीम दो अलग अलग चीज है। जो हमारी खसखास रहती है ना, उसको अगर बीज को बीज दें हम, मतलब जैसे बोते हैं कोई भी फसल, तो उसमें से जो पौधा निकलेगा उसपे आगे जो फल लगता है उसपे, फल पे चीरा लगाना पड़ता है तो उसके कच्ची अवस्था में, तो उसमें से धीरे धीरे एक दूध का रिसाव होता है। उस दूध का रिसाव जैसे जैसे होता है, वो धीरे धीरे वहीं पे ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है। पहले व्हाइट निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हवा लगती है उसको, तो नहीं सर, नहीं नहीं, ये पकाना पड़ता है। सुनिए सर जी। तो उसको, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है, वो काफी सेमी लिक्विड ही होता है तकरीबन। उसको बहुत ज्यादा टाइट करना है तो जितना भी करना चाहिए आग पे तपा के उसको हम टाइट कर सकते हैं, बिल्कुल गोली बनने लायक भी हो जाता है वो। ठीक है जी, तो ये तो बनी फीम। और भांग जो है वो अलग चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि भांग जो है वो अफीम से बिल्कुल मैच नहीं करती। और जो पोस्त का भी मैंने बोला था, पोस्त बोल रहे हैं कुछ लोग, पूछ रहे थे पोस्त का दाना क्या है जी। पोस्त ये जब उसके फल को तोड़ेंगे अंदर से, उसके जो बीज निकलते हैं वही खसखस है अफीम के। अफीम के फल को अगर तोड़े, पोस्त का दाना एक ही बात है जी। अच्छा धन्यवाद जी। ठीक है जी, और ऊपर का जो उसका फीम, जहां से फीम निकली उस फल का जो ऊपर का छिलका है, उसको पीस के पोस्त के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी नशा रहता है। ये पूरा व्याख्यान था जो, मतलब मैंने अभी बोला जो सारा ये अफीम पे था, ये सारा अफीम का ही है। खसखास बीजेंगे जैसे उसके फल आ गए उसमें, उसमें सर अफीम की दूर तक सुगंध आनी शुरू हो जाती है। दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई अफीम की खेती हो रही है, जहाँ अफीम लगा हुआ है। जी, तो उस पर ट्राई ना करें घर पे। कई बार सोचें कोई कि दो तीन पौधे लगा लूंगा मैं, थोड़ी सी खसखास बीज देता हूं, क्योंकि शुरू में जो फूल आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं फूल उस पे। जी ठीक है जी। भांग है जो बिल्कुल अलग है, जो त्रिलोक विजयवटी बताया सर ने वो सही है बिल्कुल। उसमें भांग यूज होती है, चरस गांजा ये सारे जो पार्ट्स हैं ये भांग के हैं जी, अफीम के नहीं। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी कुछ बताना चाहते हैं? थैंक यू सर। और दूर से पता चल जाता है यहाँ अफीम भी हुई है, और ये बहुत इलीगल है। आप बिल्कुल इसको घर में बीजने का कष्ट ना करें, बड़ी दूर से पकड़े जाएंगे आप। और भांग बिल्कुल अलग चीज है, उसके पेड़ है वो लीगल है, वो हमारे पंजाब में आम ही ये जो रेलवे लाइन उसके आसपास मिल जाते हैं, जो नशा करने वाले होते हैं उसके पत्तों को तोड़ के उसका नशा करते हैं, उसको घोट के पीते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर रंजन वंशी जी कुछ बताना चाहते हैं? जी मुझे बस एक लाइन सर कहना है। हाँ जी बताइए। मेरा सारे वैद्यों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आपके जैसे साक्षात गुरु बैठे हुए हैं और एक अदृश्य गुरु गूगल भी है सर, तो आज के डेट में अफीम पर इतने समय अगर हम लोग गवाएंगे तो इससे बेहतर चर्चा हो रही थी प्रमुख रोग हृदय घात पर, तो उसको कहीं कहीं पीछे छूट गया सर, और हम लोग दूसरे विषय में अनायास ही चले गए।
ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर रंजन वत्स जी, आप जल्दी जल्दी कंक्लूड करिए, आपको क्या कहना है? सर मैं इसी पर कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास एक कला है वो मैं बताना चाहता हूँ सर। हाँ बताइए सर। जो भांग बताई है और जो ये अफीम बताई है ये सब सत्य है, लेकिन सर भांग दो प्रकार की होती है। एक तो भांग होगी बारीक पत्तों की, एक होगी बड़े पत्तों की। सर जो बड़े पत्तों की भांग होती है उसके पत्ते का निचली तरफ का भाग ऐसा लगेगा जैसे कि आंख के पत्ते पर मैल जमता है। हम उन पत्तों को ला करके हिम फांड निकाल करके हृदय रोगी को इमरजेंसी में पिलवाते हैं सर जी। बहुत अच्छा रिसर्च है सर ये। अच्छा, और रहा पोषक दाने की, खसखस के दो प्रकार के आते हैं सर मार्केट में, एक आता है सफेद वाला, एक आता है ब्लैक वाला। जो सफेद वाला है वो कच्चे फल का होता है, जो वाइट वाला है वो पक्के फल का होता है। और सर नमून जैसे कि किसी भी बच्चे को, छोटा बच्चा है कोई, डॉक्टर तो सफेद थोड़ा... और वाइट कैसे आपने बोला, कुछ शायद मिस्टेक हुआ है। सफेद पोषदाना और ब्लैक दाना अभी फिर से बताइए आप। हाँ जी हाँ जी, दो प्रकार के होते हैं, एक पोषक दाने भी, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। जो ब्लैक वाला होता है वो जब फल पक जाता है उसको तोड़ने के बाद में जो अंदर से दाना प्राप्त होता है वो काले वाला होता है, अन्यथा जो कच्चा टूट जाता है उसके अंदर सफेद मिलते हैं। ये मार्केट में दो प्रकार के उपलब्ध हैं। जो भांग का बीज है होता है वो हरे दाने के नाम से मार्केट के अंदर आता है, काफी मात्रा में उपलब्ध भी है। जो इसका अफीम के अफीम का जो फल होता है, इसका जो डोडा मार्केट में आता है काफी स्तंभन करता है, और खास करके इनके ठेके भी खुले हुए हैं जी जगह जगह जहाँ पे डोडे मिलते हैं। जो गधापान वाले पेशेंट रोगी होते हैं नशे के लिए इसको खरीदते भी हैं। ठीक है और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो बस लास्ट ऐड करती हूँ सर, लास्ट ऐड करती हूँ। जो अहिफेन है या जो खसखस बताई है वो इसका हिस्सा नहीं है, ये कैनाबिस सटाइवा है सर। इसकी दो वैरायटीज हैं और ये लघु गुण तीक्ष्ण वीर्य का और कटु विपाकी है। दूसरा चीज सर, इसका जो भी लीव्स है वो भांग के पत्ते, मतलब जिसको मैरिज होना बोलते हैं सर, वो यूज होता है। और जो नशेलापन है वो जो फ्लोरल रीजन, मतलब फ्लोरल जो इसका ये आता है उसके ऊपर का वो कुछ कंटेंट है सर, जिसमें से इसका डोसेस, मेडिसिनल डोसेस जो भांग का है वो 250 से मतलब डिवाइडेड डोसेस में 125 से 250 मिलीग्राम है। चरस का जो है, चरस का जो उसका उसका सिर्फ 125 मिलीग्राम है। और जो एकदम इससे जो ये ब्राउन कलर का जो बोल रहे हैं जो नशीला वाला, उसको भी यूज किया जाता है सर एज रिजिटालिस और कुछ काफी सारे रिसर्चेस में, उसका 30 मिलीग्राम डिवाइडेड डोसेस का ये है। मैं इसके डिटेलिंग बाद में पक्का दूंगी, लेकिन खसखस और ये अलग है। खसखस हम इसमें जो ये बनाते हैं कुछ रेसिपीज वगैरह बनाते हैं तो मिठाइयों में भी यूज होती है, लेकिन वो निद्रा लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और स्तन्य जनन करके भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भंगा के जो लीव्स हैं वो त्रिदोषग्न है और इसको एज ए पेनकिलर, एज एन एंटी एमेटिक और भाव प्रकाश, और इसमें इसका उल्लेख है, हमारे बृहत्त्रय में इसका उल्लेख नहीं है। और कुछ ग्रंथकारों ने इसका शायद कुष्ठ के ऊपर, मतलब कुष्ठग्न करके उस इसमें डाला है भंगा को, तो काफी सारा यूज इसमें जो त्रिदोषग्न इसका गुण है उसको यूज करके लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो बस इतना मुझे बताना था कि भांग, चरस और ये अलग है अफीम, और जो खसखस है वो अलग है, वो हम बहुत ऑन एंड ऑफ यूज करते हैं। हम मराठी लोग भी कुछ रेसिपीज में यूज करते हैं, कोल्हापुरी लोग यूज करते हैं, तो उसका गुण अलग है। लेकिन ये त्रिदोषग्न वनस्पति है कैनाबिस सटाइवा, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कई सारी उसकी वैरायटीज से कुछ मेडिकल कंपोनेंट्स निकाल के देयर आर टू कंपनीज हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस इंटरनेशनल सेमिनार इन दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अभी डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी को बुलाते हैं और इनसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको कॉल आया, आपके पास सारा मेडिसिन है अंजना मैडम जी, और आपको कॉल आया कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया है, पेन हो रहा है हार्ट में 3 से 4 के बीच में, तो आप क्या दवाई देंगी? ये आज का सवाल है जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्ते, आप क्या देंगी? एक्चुअली सर अभी ये सब तो जो हम लोग अभी क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट तो है नहीं सर, हम लोग इस तरह की चिकित्सा नहीं करते। आपको जान बचानी है, अभी आप कार्डियोलॉजिस्ट है कि कुछ नहीं पता नहीं, आप डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर से फोन आया और आपको बचाना है, तो आप क्या दे सकती हैं?
हाँ सर, जर्नलिस्ट में हम जो तपन सर बताते हैं, तपन सर का वीडियो हमने कई बार सुना है कार्डियोलॉजी में, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि ऐसे पेशेंट में जो है वो तिल सेल की मात्रा अवस्थी बहुत शीघ्र अति शीघ्र आपको विद इन 5 मिनट्स में देना ही देना चाहिए। इसके अलावा उसको बमन कराना, अगर हो पाए तो उसको बमन नहीं कराना चाहिए। अगर बमन नहीं करा पाते हैं तो कम से कम उसको जो है सैंदर युक्त जो है वो तिल तेल जो है उससे उसका क्लियर करके, नेजल कैविटी क्लियर करके, और उसको जो है जो भी उसको अगर जितना बमन हो सके जो उंगली डाल के ही बमन करा सकते हैं कराइए। और जो उसका हृदय प्रदेश है वहाँ हृदय वस्ती देना चाहिए, हींग जो है वो उसकी नाभि पर रखना चाहिए और फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट कराना चाहिए। पूर्व कर्म उन्होंने बताया है कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट पेशेंट करता है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्होंने 3-4 बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और वो पॉइंट्स कहीं कहीं यूज भी किए जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि दोषों को आप शरीर में फैलने नहीं देना है, मातृवस्थी के हिसाब से उसको जो है नीचे से उसको निकालना है और बमन के हिसाब से अगर जितना हो सके वो दिमाग से निकालना है, हृदय वस्ती के हिसाब से उसको हृदय को उतना बल देना है, नाभि को उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन देना है और उसको तुरंत उतने ही उसमें उसको शिफ्ट करना है। तो ये 4 पॉइंट्स मैं माइंड में रखती हूँ कि किसी को भी होता है तो मैं हेल्प के लिए बताती हूँ। बाकी बहुत अच्छा उन्होंने कहा, पूरा उनका वीडियो, कई वीडियो उनके हार्ट पे आए हैं और वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबिलिटीज हैं और इफेक्टिव भी हैं। तो ये मुझे यहाँ तक लगता है, बाकी और सब लोग इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। अब डॉक्टर श्रुति निगम मैडम जी, आपने बस्ती तो बता दिया, आप मेडिसिन क्या देंगी, इंटरनल मेडिसिन? डॉक्टर श्रुति निगम जी, सर इतना सारा सब बताया तो था सबने, वो मेडिसिन मतलब सर वही बृहद्वार, चिंतामणि, योगेंद्र रस, यही सबके कॉम्बिनेशन दूंगी। बाकी मैंने ट्रीट नहीं किया तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, ना ही मैंने कभी ऐसे पेशेंट देखे हैं। आपने इमरजेंसी पूछा तो मैंने ये बोला कि वात के अकॉर्डिंग वस्ती देनी चाहिए, बाकी फिर सर लक्षणानुसार चिकित्सा करेंगे या फिर मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। बृहद्वार, चिंतामणि, योगेंद्र रस इन पे जाना चाहिए, स्वर्ण योग पे जाना चाहिए, पुष्कर मूल वगैरह जो भी हैं, अर्जुन, इन सब के कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए। आप कम से कम बचा तो लेंगी इतना दवाई देके, बाकी का बाद आप बताइए सर क्या करना चाहिए। आपने सही बताया ना, मैं तो वही चेक कर रहा था, आप बचा तो लेंगी ये दवाई से। फ्रीज ड्राई टाइप का इमरजेंसी, हार्ट इमरजेंसी का। हेलो सर। हाँ जी सर, इसमें सर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है सर हार्ट पर? किससे क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है सर आपसे? ये अरविंद सर से क्वेश्चन है, डॉक्टर अरविंद सर से, कि असली में ऐसे ऐसे केसेस में हम सब लिंगुअली ये जो देते हैं ना, बृहद्वाज, चिंतामणि, स्वर्ण मकर ध्वज, महालक्ष्मी विलास रस, सब लिंगुअली दिया ना, हेमगर पुट्टली रस, ये सब दिया ना, तो तुरंत ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है सर। ये सबको कॉम्बिनेशन या कोई इनमें से कोई? सबको पीस के और एक चुटकी की मात्रा में चटाना है, हर 15-15 मिनट में चटाने से तुरंत ही फायदा होता है, और बाद में फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए, इमरजेंसी में ये देना चाहिए। उनकी माता जी ने एक ग्लास पानी दिया, लेकिन अगर डॉक्टर के पास ऐसे कुछ होता है तो ना, सब लिंगुअली हिमगर पुट्टली रस है, महालक्ष्मी विलास रस है, स्वर्ण मकर ध्वज है, जो ये स्वर्ण कल्प है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये देने से तुरंत फायदा होता है। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। अंजना सक्सेना मैडम ने बहुत अच्छा बताया जी, लेकिन इसमें क्या है, पतन सर का वीडियो मैंने भी सुना था, उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य भी हुआ सर, आप थोड़ा इसको ये कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बेहद बात चिंतामणि रस और ये आपका वेदनांतक रस और जवाहर मोहरा, जवाहर मोहरा नंबर 1, इसको सबको मिला के 1 चम्मच और पेस्ट बना के पान के पत्तों के रस के साथ, मधु के साथ मर्दन करके, और पूरे मतलब जीव के गाल पर सब जगह जो है सो पेस्ट कर देना है उंगली से। और उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे मुझे ऐसा कॉल आता है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ 250 ml तिल का तेल पिला दो, थोड़ा सा गुनगुना करके, और उसके बाद जब तक मैं पहुँचता हूँ तो मेरे बैग में ये सारा चीज पहले से तैयारी रहता है, और जाते के साथ मैं एक बस्ती प्लान करता हूँ निरु बस्ती का, जिसमें दशमुख द्रव्य डाल के गर्म पानी में झट से बना के उसी समय दे देता हूँ। और तीन बार उन्होंने कहा कि एक एक चम्मच सर देना है, हमने तो लगा कि आज तक हम लोगों ने 500 mg भी नहीं दिया जल्दी से स्वर्ण आइटम किसी को, एक खुराक।
और उन्होंने जोर डाल के बोला है कि आप एक एक चम्मच डालो, उससे कम में कुछ सुनेगा नहीं, 250 mg और 125 mg कुछ नहीं होने वाला है। और उन्होंने एक भी और बताया काम की बात कि हिंग, शाहवादी हिंग में रखता हूँ जो उत्तम कोटि का होता है, और उसको हृदय पर, पेट पर, नाभि पर, हर जगह लेप कर देता हूँ ताकि अग्नि की सुरक्षा हो। ये तीन स्टेप उन्होंने मुख्यतः बताया। क्या सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, एक एक चम्मच ये सारा चीज डाला जा सकता है सब लिंगुअल? क्या क्यों नहीं डाला जा सकता, जितना एब्जॉर्ब हो उतना डाला जाए। एक चम्मच मतलब हम लोग यहाँ पुणे में तो एक चुटकी तक देते हैं, उतना एब्जॉर्ब हो जाता है। जी जी, सारे लोग तो वही देते हैं ना, मुझे भी यही लगा कि मैक्सिमम 250 mg करके आदमी 500-700 mg तक दे देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक एक चम्मच वेदनांतक रस और जब जहर मोहरा नंबर वन और ये आपका बृहद पाचनतामणि रस। हाँ, कम से कम आप पेशेंट लोग को जान तो बचा लेंगे, इतना जो डिस्कस हुआ उससे पेशेंट मरेगा तो नहीं। हाँ, ऐसा ही उन्होंने बताया सर, 45 मिनट मात्र मिलता है हम लोगों को समय, उसी में पहुंचना है, उसी में ट्रीटमेंट देना है, और उसके बाद प्राणाभिसरण हो जाता है, तब जाके उसको ICU वगैरह में हम भर्ती करवा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बताए। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो दूसरा कोई किसी को केस बताना है तो केस बता दो। हेलो सर, हमने सर मेरा एक इसके हार्ट डिसऑर्डर के अलावा मेरा एक सवाल है। हाँ, सर मैंने एक बार एक केस डिस्कस किया था कि एक मतलब किसी पार्टी के कोई लीडर हैं, वो पेशेंट मेरे पास आया था जॉइंट पेन के लिए। बाद में सर उस पेशेंट में मुझे कोष्ठबद्धता दिखी थी, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अनसेटिस्फेक्टरी स्टूल पास होता था उनका। तो सर मैंने उसमें वो बाकी सब मैनेज कर लिया था, मैंने त्रिव्रत लेहम ऐड किया था वहां पे, और अभी तो सर मैं सिर्फ उस पे ही काम कर रही थी कि उनका मोशन ढंग से क्लियर हो जाए, पोस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सर मेरा जो सवाल था, सर उनको नींद की भी प्रॉब्लम थी, उनका कहना था कि मुझे साउंड स्लिप नहीं आता है। तो सर मुझे वही लग रहा था कि वो क्योंकि दिन भर उनका बोलने का काम रहता है, सिर्फ स्पीच देना है ना, वो एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा तो वो बोलते रहते हैं, तो फिर वही सब थिंकिंग प्रोसेस उनके माइंड में रहता होगा, तो मुझे कहीं ना कहीं बात की गलती लग रही थी। तो सर मैंने उनका आहार में थोड़ा सा घी, दूध और ये सब शुरू किया है, उनको पाद तल का मसाज करने के लिए बोला है सोते समय, दूध ऐड किया है पीने के लिए, और सर रात में मैंने जटामान से घनवटी ऐड की है। तो सर उनका अभी ऐसा हो रहा है कि सर पेट वाला इश्यू तो सॉल्व हो गया है, लेकिन सर नींद वाले में ऐसा है कि जटामान से देने के बाद भी उनका ऐसा रहता है कि कभी कभी मुझे आ जाती है नींद, लेकिन मतलब शिरोधारा नहीं आ रही। शिरोधारा देंगी तो नींद अच्छी आ जाएगी। ओके सर, तगर टैबलेट दे सकते हैं, तगर टैबलेट स्टार्ट कीजिए, नींद अच्छी आएगी। क्या सर, तगर? हाँ, हिमालय की आती है तगर टैबलेट, कॉम्बिनेशन भी आता है, तगर देना स्टार्ट कीजिए, दो गोली मिल जाएगी। हेलो, मैं मानस मित्रम बहुत सेवा करती है, चिरबला 101 में बहुत सेवा करती है, ब्राह्मी बट्टी और जटामानसी भी बहुत अच्छा काम। हां, जटामानसी भी, मैम जटामानसी धूपापेश्वर का मैंने शुरू किया है और वो कस्टम से शुरू किया है। आपने तगर बताया, तगर बीपी बहुत अच्छी तरीके से कम करता है, अगर आप प्रभाकर वटी के साथ में तगर देते हैं ना तो वो बहुत, लेकिन जहाँ पे एंग्जायटी इंसोम्निया या ये रिलेटेड है तो वहाँ पे जटामानसी और ये ब्राह्मी बटी बहुत अच्छे से फायदा देता है, रोंग टर्म देता है। मैम ब्राह्मी बटी कौन सी? मैडम मेरा अश्वगंधा ब्राह्मी बटी आती है, स्वर्णयुग किस कंपनी की आती है मैडम? दूध पापेश्वर की आती है। ओके, दूध पापेश्वर की भी आती है, लेकिन अश्वगंधा रिस्ट भी दे सकते हैं। मानस मित्र बहुत एग्जैगरेटेड, मतलब काफी पेशेंट रहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया के रहते हैं, तो वहां पे मानस मित्र देनी ही पड़ती है, क्योंकि फिर वहां पे तामाचोदात भयात जो सर बताते हैं उसे वात प्रकोप की बहुत वैसी अवस्था होती है और उसकी सारी संप्राप्तियों में वात प्रकोप ही दिखता है, तो वहां पे मानस मित्र देना पड़ता है, और इवन उसको ओंकार और प्राणायाम ये उसकी लाइफ स्टाइल में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैडम मैंने अश्वगंधा और अश्वगंधा चूर्ण को दूध के संग बहुत सारे पेशेंट्स में दिया, इनफैक्ट अपनी फैमिली में भी दिया है, इसका मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा देखा इंसोम्निया में। मैम बिल्कुल अश्वगंधा का पाउडर क्या मैम? अश्वगंधा का पाउडर
पांच ग्राम के करीब, मतलब एक चम्मच पाउडर दूध में, गर्म दूध में मिला के दे दो, बॉइल नहीं करना है उसको, जस्ट दूध गर्म करके हमने ग्लास में निकाला और उसमें एक चम्मच पाउडर मिलाया प्रोटीन एक्स की तरह और पी लिया। मैम ये चयात्मक संप्राप्ति और संतर्पणोत्त जो हमको सामने वाले को जब देना है ना तब रसायन करके काम करता है, तो उससे भी बहुत अच्छा। आपको अवस्था और इस इसके हिसाब से ये जो भी कॉम्बिनेशन बताए, हर कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके, लेकिन यू शुड कम टू नो कि व्हाट स्टेजेस दैट बात प्रो को भी रुक्षता है कि स्नेहन देना है कि स्निग्धता के साथ में, जैसे आपने दिया तो आपने दूध के साथ में दिया, अश्वगंधा ब्रोनी इसमें भी आती है, लेकिन अश्वगंधा इसमें भी काम करती है मैडम, जो हमारा सप्त धातु का ओज है उसमें भी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रसायन की तरह काम करता है और एंजाइटी को रिलीज करता है और क्या कहते हैं माइंड को रिलैक्स करता है, इसलिए नींद। और सबसे मेन जैसे शिरोधारा और नस्य, मैम मैं शोधन और हमारे कर्मों और उपकर्मों का बहुत ज्यादा इंस्टेंटली रिजल्ट गिविंग में ये करती हूँ, इंक्लूड करती हूँ। तो आप नस्य देखिए, देखिए शिरोधारा देखिए, देखिए बहुत अच्छा रोल है, नहीं कुछ तो शिरो यूज करिए, या बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। मैं नस्य मैंने शुरू किया है मैम, पिच्चू और शिरोधारा मैं और करती हूँ। आप शिरोधारा का बहुत अच्छा इफेक्ट है, बस ये होता है कि पेशेंट रोज रोज करेगा कैसे, उसके लिए एक अटेंडेंट की जरूरत है, तो अश्वगंधा है या थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, पर नस्य उनको प्रतिमर्श नस्य मैं गोकृत का दे रही हूँ। ये जो बाकी सबने बताया, बाकी डॉक्टर्स ने बताया, वो इजी चीजें थी जो दवाइयां बताई थी ना, ब्राह्मी वटी मानस मत्र वटिका और ये सब अश्वगंधा है, ये इजी होता है। मैम यहाँ पे आप प्रतिमर्श की बजाय ना आप उसकी प्रकृति देख के पंचेंद्रिय वर्धन या अनुतेल ज्यादा अच्छा कैरी करेगा, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा प्रक्षुब्धित अवस्था में मानस उसके मनोवस्त्रोत अगर विक्षुब्ध है, तो विक्षुब्ध मनोअवस्था में हमेशा अनुतेल या पंचेंद्रिय वर्धन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसे मेरा फाइंडिंग है। और प्रतिमर्श आप शोधन करना है तो वहां पे कर सकते हैं। मैम एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह का उनका जो हेतु सेवन है ना मैम, मेनली कि दिन भर उसका मतलब पब्लिक डीलिंग रहता है, बोलना ज्यादा रहता है, वात मैम के वो बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा कि वात वृद्धि है तो वहाँ पे गोकृत काम करेगा, मैंने ये सोच के दिया। आप वहाँ पे अनुतेल देखिए देखिए शुरुआत करिए और आप चेंज करते जाइए ना, 7 days बुलाइए उसको फॉलो। और किसी ने बोला कि वो लेंगे क्या या शिरोधारा, मैम एवरीथिंग इज हेक्टिक, लेकिन जब पेशेंट का बीपी बढ़ने लगता है, उसका पूरी तरह से रस रक्त सब क्षीणता की तरफ जाता है, तो उसकी रुक्ष अवस्था पूरी धातु को नष्ट करती है, उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। उस व्यक्ति को पहले आप शमन चिकित्सा दो, शमन के साथ में जब उसको अच्छे रिजल्ट आने लगे तब उसको खुद होके काउंसिल करो कि देखो ये सारी चीजें आगे चल के आपके जो भी है रक्त धातु और उसकी जो भी मूल स्थान है मतलब हार्ट तक ये संप्राप्ति आपको लेके अफेक्ट कर सकती है, अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आप शिरोधारा का इतना इतना योग कर लीजिए, तो पेशेंट हमेशा सुनता है, लेकिन आपका वो स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि देखिए सीजर करने के बाद में या ऑपरेशन करने के बाद में डॉक्टर थोड़ी बताते कि आप उसके बाद में आपको क्या होने वाला है, वो तो सिग्नेचर ले लेते और वॉट एवर विल हैपन ऑन टू टेबल इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम वैसे तो हाथ ऊपर नहीं करें ना, पहले शमन देके उसको रिजल्ट दो, उसके बाद में उसको बोलो कि ये संप्राप्ति आगे अगर बढ़ेगी तो आप शायद हृदय है आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गन से वहां पे आपका सर्कुलेशन पे अफेक्ट कर सकती है, आपके ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट कर सकती है, तो आप शिरोधारा लेंगे तो आपको जिंदगी भर दवाइयां लेने की जरूरत नहीं होगी। And even we don't have to give them for a longer time. हेतु भी बंद हो जाता है। शिरोधारा को हम अगर चेंज करना चाहें, अगर वो आपकी क्लिनिक नहीं आ सकता है, तो हम पिचू का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मेरा भी प्रॉब्लम यही होता है, पिचू बना के उसको आप अच्छे से सोक करके उसके हेड पे रखें, उसको ऊपर से। और मैडम इंसोम्निया पे ना, क्योंकि काफी सारे जो सीरियस मेरे आईसीयू के पेशेंट रहते हैं उनका सबसे मेन प्रॉब्लम रहता है कि काफी सारा एलोपैथिक ड्रग है और उनको नींद नहीं आ रही, पित्त प्रकोप की अवस्था, तो मुझे जो रिजल्ट मिलते हैं तो मैं क्षीरबला या सहचर तेल जैसी अवस्था है या कोई भी सादा तेल, कुछ भी नहीं मिला तो तिल तेल, मैं पादाभ्यंग जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे मर्म के लिए अगर नहीं चांस मिला तो मैं इतना जरूर देखती हूँ कि मैं उसका बहुत अच्छी तरीके से पादाभ्यंग का प्रॉपर 7 days कोर्स कराती हूँ, 3 days कोर्स कराती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पेशेंट की ये सारी चीज में। और ओंकार इज माई राइट हैंड ऑफ माई ट्रीटमेंट, तो मैं उसका इन्वॉल्वमेंट करती हूँ। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है आईसीयू में, तब भी मैं सूक्ष्म तरीके से लिटरली परमिशन मांग के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मैं मनोवा हम जितना जल्दी कर लेते उतना वात प्रकोप इजीली कंट्रोल हो सकता है, जितना संप्राप्ति के लिए दवाइयां देंगे, शोधन शमन देंगे, उससे कई शॉर्टकट में आपको रिजल्ट मिलता है वात को कंट्रोल करने के लिए। जी 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 मैम, पादाभ्यंग मैम मैंने उनको बोला हुआ है, पादाभ्यंग घी से या फिर तिल तेल से बोला हुआ है मैंने उनको, जो भी अवेलेबल है।
लेकिन हाँ अगर वातिक है तो तिल तिल बोलिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं पित्त प्रधानता भी है तो आप योजनाएं करें। पंचतिक्त बहुत अच्छा ये करता है, या फिर दोनों शीरबला बहुत अच्छा करता है, जहाँ पे आपको उसके भी रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स दबते हैं वहाँ पे। ऐसे मेरा जी 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 थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो तो मैडम कुछ मांड भी दे सकते हैं रात को ना, दूध के बाद में दो या पेठे आते हैं ना आगरे के, उससे भी अच्छी नींद आ जाती है। सर आप कफ बढ़ा के उसको नींद लाना चाहते हैं, बराबर है ना? यस मैडम, पित्त का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हाँ पित्त का संबंध करके भी नींद अच्छी आ जाएगी मैडम। हाँ सर अलग अलग अवस्था है, मतलब इंसोम्निया अगर हम टॉपिक लेंगे बहुत अच्छे ये निकल आएंगे, बस अवस्था और इसके ऊपर दे सकते हैं। हेलो जी सर। हेलो हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ सर ये टॉपिक में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं ना आगे? ये हेलो पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी के बारे में दो मिनट में कितना करेंगे सर? कुछ बोल रहे हैं ना बीच में, पूछना चाहते हैं। ओके सर कल। हेलो हाँ सर बताइए। सर ये जो अभी आपने पहले हार्ट अटैक के लिए या हार्ट हृदय शूल के लिए आपने अभी कहा था, तो उसमें जैसे वैद्य तपन कुमार करके हैं आर्य पोद्दार मेडिकल कॉलेज, उनका एक मैंने इसमें यूट्यूब में देखा था, उसका मैंने लिंक भी डाला इसमें ग्रुप में, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से है ना इसको आयुर्वेद से टैकल करने के लिए बहुत अच्छा बता रखा है उन्होंने। वैसे एक जब तक आप ना पहुंचो तब तक ये तिल तेल 100 ml ये बता दिया बस, इसके बारे में चर्चा हो गई बस अभी थोड़ी देर पहले। तिल तेल है तो उनका बहुत, ये मैंने जो लिंक भेजा है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और हार्ट पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छा है, मैंने लिंक देखा है, तो सभी एक बार इस लिंक को देखें तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। आप सर लिंक शेयर करिए ना सर, लिंक शेयर करिए हर एक। हां इसमें ग्रुप में चैट में मैंने लिंक शेयर किया है, ये वैद्य तपन कुमार का है। ग्रुप में करिए ना सर, ग्रुप में आ जाइए ना आप, वैद्य तपन कुमार का सर, वैद्य तपन कुमार का यूट्यूब पर बहुत अच्छा क्लास है उनका हार्ट डिजीज के ऊपर, उनका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा। अच्छा तो वो एक बार आप देख लें। बंद करते हैं 9:30 बज गया, कल फिर मिलेंगे, कल और डिस्कस करेंगे। हेलो अरविंद सर जी। सर इसमें जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं कि रात में पित्त का आहार विहार का सेवन होता है, तो यहाँ पे विदग्धा जीन से भी कई बार ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि एमआई के पेशेंट्स में ये कारण होता है, तो ये भी इसमें विचार कर सकते हैं ना सर? हाँ जरूर कर सकते हैं। ठीक है तो हम अभी सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे फिर। प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night.